सुरामी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड शाह को देखते हैं जो कि आईजे होटल्स की सीईओ है और वो अपनी कंपनी से कहीं बाहर जा रही थी। तभी उसका कजिन फैन आके उसे रोकता है, उसे कहता है उसे एक वीआईपी गेस्ट को अटेंड करना है, इसलिए वो अभी कहीं बाहर नहीं जा सकती। जिसपे शाह कहती है कि क्या हमारे होटल के स्टाफ कम पड़ गए हैं जो मुझे अटेंड करना होगा उस गेस्ट को। तो फैन उसे बार बार रुकने के लिए इंसिस्ट करता है। तभी उसके अंकल वहाँ आ जाते हैं जो कि फैन के डैडी थे, तो शाह उन्हें मस्का लगा के वहाँ से निकल जाती है। तो शाह पार्किंग लॉट में हमारे मेन लीड को देखती है एक लड़की के साथ, उसे देख के तो वो बिल्कुल शॉक थी। तो शाह उन दोनों का पीछा करने लग जाती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है हमारे हीरो ज़ेन ने एक साल पहले शाह को अपना फेक नाम बता के उसे अप्रोच किया था एंड दोनों कुछ टाइम के लिए रिलेशन में भी थे। पर एक दिन अचानक वो कहीं गायब हो गया एंड जाने से पहले वो शाह की जगह पे पैसे रख के चला गया था, जिससे शाह और भी ज्यादा हर्ट हुई थी। तो प्रेजेंट में शाह देखती है हमारे मेल लीड उस लड़की को लेकर अपने रूम की तरफ जा रहा था और वो उस लड़की की कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा था। ये देख के शाह उसके रूम का मास्टर कार्ड लेके उसके रूम की तरफ जाती है, पर जाके दरवाजा नॉक करती है। दरवाजा खोलती है वही लड़की, तो शाह बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है और उस लड़की से कहती है कहाँ है वो आदमी और उसका नाम क्या है। तो वो लड़की बताती है कि उनका नाम है मिस्टर फूजेई। इस पे शाह कहती है कि उसने एक और फेक नाम बना लिया, इस बात उसकी टारगेट हो तुम, वो आदमी एक नंबर का झूठा है। देन वो उससे पूछती है क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो या फिर वाइफ। वो लड़की बताती है कि मिस्टर फू अभी भी सिंगल है और अभी वो शावर ले रहे हैं, इसलिए तुम अभी उनसे नहीं मिल सकती, तो अभी तुम जाओ। पर शाह उसके रूम की तरफ जाने लग जाती है। तो वो लड़की कहती है कि मैं एक लॉयर हूँ, तो अगर तुम्हें उनसे रिलेटेड कुछ भी बात करनी है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। तभी ज़ेई बाहर आता है और कहता है कि कौन मेरे रूम में घुसा है और चिल्ला रहा है। तो ज़ेई शाह को इग्नोर करके चला जाता है, जिसपे शाह कहती है कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं। जिसपे ज़ेई कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है तो मुझे बताओ। पर वो कुछ भी बता नहीं पाती। तभी वो लॉयर आके उसे कहती है कि ये फान मोहम कंपनी के सीईओ है मिस्टर फूज़ेई, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, शिया को तो कुछ भी बिलीव नहीं होता। तभी वहाँ शिया के अंकल आ जाते हैं, उनका वेलकम करते हैं। तब शिया भी उन्हें अपना इंट्रो देती है, पर ज़ेई तो उन्हें झटका दे देता है क्योंकि ज़ेई की कंपनी ने शिया के होटल पे कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का एलिगेशन लगाया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि शिया के अंकल ने सस्ते फर्नीचर खरीदने के चक्कर में ज़ेई की कंपनी के डुप्लीकेट फर्नीचर खरीद लिए थे। पर शिया तो अभी भी उसी के ख्याल में थी। एक साल पहले फॉरन में उन दोनों की मुलाकात हुई थी एक मूवी थिएटर में, जिस थिएटर को शिया ने बुक किया था एक मूवी देखने के लिए क्योंकि उसे उस मूवी के गाने बहुत पसंद है। पर वहाँ एक और आदमी बैठ के वो मूवी देख रहा था। तभी शिया को पता चलता है कि वो आदमी उस मूवी का म्यूजिक डायरेक्टर है। तो शिया जाके उसके पास बैठती है और यहीं से शिया उसे पसंद करने लगी थी। तो शिया उसे अपने साथ डिनर पे ले जाती है, जहाँ उसे उसका नाम पता चलता है जो कि उसने लिन बताया था। तो लिन बड़ा ही जेंटल था, वो बहुत ही अच्छी तरह से बात करता था। तो ये सब याद करते हुए शिया सोचती है कि लिन जो कि एक साल पहले इतना केयरिंग और जेंटल था, अभी इतना रूड और एरोगेंट मिस्टर ज़ेई कैसे बन गया। बट देन वो कहती है कि वो उसके बारे में नहीं सोचेगी। तो शिया की कंपनी के पास उतने पैसे नहीं होते ज़ेई को पे करने के लिए ताकि वो अपने एलिगेशन हटा ले। तो शिया डिसाइड करती है वो अपने शर्ट्स को बेच देगी, पर फैन उसकी शर्ट्स बेचने वाली बातें सुन लेता है। तो वो आके उसे उस बारे में पूछता है एंड देन वो उसे कहता है कि मुझे पता चला कि फूज़ेई वही लड़का है जिसने तुम्हें एक साल पहले चीट किया था। ये बात सुनते ही शिया उसे अपने रूम से बाहर भेज देती है, जिसके बाद वो अपनी किचन का टैप ऑन करके रोने लग जाती है क्योंकि उसने सच में उसे एक साल बहुत ज्यादा मिस किया। इसके बाद हमें पता चलता है ज़ेई एक प्लान के साथ यहाँ आया है। उसकी लॉयर आके उसे बताती है कि शिया कॉम्पेंसेशन के लिए मान गई है एंड वो कॉम्पेंसेट करने के बाद कंपनी भी छोड़ने वाली है। तो ज़ेई के इस प्लान में एक और आदमी उसका साथ दे रहा था, जिसका रोल हमें आगे पता चलेगा। तो ज़ेई कहता है वो अपने प्लान के आगे किसी को भी नहीं आने देगा एंड इसके चक्कर में उसने एक अनाथ आश्रम को धोखे से खरीद लिया और अब उसकी नजर है शिया के होटल के जमीन पे। जिसके बाद हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं ज़ेई के प्लान में साथ देने वाला आदमी उसे कहता है कि उसने शिया के साथ मीटिंग कल फिक्स कर ली है और वो सब कुछ संभाल लेगा। और वहीं पे हम शिया को भी देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है एंड उसे ज़ेई भी देखता है। तभी एक आदमी ड्रिंक में नशे की दवा मिला के शिया के लिए भेजता है, पर शिया उस ड्रिंक को फेंक देती है। इसके बाद वही आदमी अपने दोस्त के साथ प्लान बनाता है कि वो शिया को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवा देगा और फिर उसे अपने साथ ले जाएगा। उनकी ये बात ज़ेई भी सुन लेता है। तो वो दोनों पहुंच जाते हैं शिया के पास और उसे ड्रिंक करने के लिए कहते हैं क्योंकि उसने उनकी महंगी ड्रिंक को वेस्ट कर दिया। तो शिया उस ड्रिंक को पीने ही वाली होती है कि ज़ेई आके उसे रोक लेता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है, पर वो लोग उसे जाने नहीं देते। तो थोड़ी देर में ज़ेई का सर भी घूमने लग जाता है क्योंकि उस ड्रिंक में कुछ तो मिला हुआ था, जिसकी वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पर ज़ेई एक बॉटल तोड़ के उन सभी को डरा के वहाँ से शिया को लेके चला जाता है। तो वो शिया को कैरी करके एक होटल रूम ले जाता है और उसे वहाँ रखने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है कि ज़ेई खुद भी बेहोश हो जाता है और बेड पे गिर जाता है। कुछ देर बाद शिया को होश आता है और वो अपने सामने ज़ेई को देख के बिल्कुल शॉक रह जाती है और उसे कहती है कि वो उसने उसे होटल क्यों लाया। देन वो ज़ेई को उठाने की कोशिश करती है, पर ज़ेई तो बिल्कुल भी होश में नहीं था। तो वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी वो अपने कपड़ों पहन हाथ पे खून देखती है और वो चेक करती है कि उसे तो चोट नहीं लगी है। देन वो ज़ेई के हाथ पे देखती है, उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। तो वो होटल स्टाफ से फर्स्ट एड किट मंगवा के उसके हाथों की मरहम पट्टी करती है और ज़ेई को देखने ही लग जाती है। तो थोड़ी देर बाद ज़ेई अपने कपड़े उतारने लग जाता है, तो शिया उसे देखती है तो आके उसे रोकती है, पर भाई की बॉडी देखते हुए शिया भी शर्मा जाती है। तो ज़ेई उसे अपनी तरफ खींचता है, उसे किस करने जा रहा होता है कि वो फिर से बेहोश हो जाता है। इस पे शिया कहती है क्योंकि तुमने मुझे बचाया इसलिए मैं तुम्हारी केयर कर रही हूँ, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगली सुबह ज़ेई की नींद खुलती है और वो अपने बगल में शिया को देख के बिल्कुल शॉक रह जाता है और अपने ऊपर से उसके हाथ पैर हटा के कैसे भी करके वो बेड से उठ जाता है
और ऑफिस चला जाता है। पर ऑफिस में वो बार बार शिया के बारे में ही सोच रहा था। इधर शिया की नींद खुलती है, वो जई को ढूंढने लग जाती है, पर जई तो वहाँ नहीं था। पर उसे जई का कार्ड मिलता है, जिसे देख के वो फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ऐसा ही उसने एक साल पहले भी किया था। तो वो जई को कॉल करके इसके बारे में पूछती है, तो जई बताता है कि ये तुम्हारे लिए कंपनसेशन है। तो शिया उसे कहती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और तुम फिर से वैसे ही कर रहे हो जैसा तुमने एक साल पहले किया था। इधर के जई कहता है कि हाँ हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, एंड कॉल कर देता है। तब शिया को ऑफिस से कॉल आता है, तो वो जल्दी से ऑफिस जाती है, जहाँ वो देखती है फैन अपने पापा को कहीं जाने से रोक रहा होता है। शिया अपने अंकल को थोड़ा शांत करती है, तो अंकल उसे बताते हैं कि उन्हें अब जई को कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें जई का बैकग्राउंड चेक करने पर उसका एक राज पता चला, और वो था वो पिछले साल 3 महीने के लिए कहीं गायब हो गया था, वो भी अगस्त से अक्टूबर के बीच में। तो शिया कुछ सोचने लग जाती है, पर उसके अंकल के पास कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं था जिससे कि उसे जई को कंपेंसेशन देना ना पड़े। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसी 3 महीने में जई लीन बन के शिया से मिला था, वो दोनों रिलेशन में भी थे। तो अपनी बहन की परेशानी को देख के फैन चला जाता है जई के रूम में, उसे पंच करने ही वाला होता है कि पीछे से लॉयर उसे रोक लेती है। जब भाई पीछे मुड़ता है तो वो लॉयर को देख के तो बिल्कुल चौंक ही जाता है, क्योंकि लॉयर ही फैन का पहला प्यार था। तो यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब फैन हाई स्कूल में पढ़ता था, और तब लॉयर जिसका नाम है आयशिन वो ग्रेजुएट हो चुकी थी, तब उसने उसे प्रपोज किया था। तब शिन ने उसे कहा था कि मैं हाई स्कूल को डेट नहीं करती, जब तुम 180 सेंटीमीटर के हो जाओगे तब तुम मेरे पास आना। तो प्रेजेंट में फैन उसे कहता है कि मैं 185 सेंटीमीटर का हूँ, पर आयशिन तो उसे पहचान ही नहीं पाती। वो उसे पूछती है तुम कौन हो, तो फैन उसे सॉरी कह के चला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आयशिन को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। जिसके बाद दोनों भाई बहन ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं, एक दूसरे को अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं। शिया तो कुछ ज्यादा डिप्रेस थी, वो फैन से कहती है कि वो मुझे इतनी जल्दी भूल कैसे सकता है। तो फैन से कहता है कि हो सकता है उसका एक्सीडेंट हुआ होगा एंड उसकी मेमोरीज चली गई होंगी, इसलिए वो तुम्हें भूल गया है। तो शिया भी उसके इस बात पे एग्री करती है, वो पहुंच जाती है जई के रूम में। तो जई उससे पूछता है क्या तुम फिर से गलती से मेरे रूम में आ गई। शिया कहती है नहीं, तो मैं इस बात जानबूझ के आई हूं, एंड वो अपने बैग से पैसे निकालती है, वो जई के ऊपर उड़ा देती है, उसे कहती है पैसे तो मेरे पास भी है इसलिए मेरे सामने पैसों का रौब मत दिखाना। देन वो उसका कार्ड तोड़ के उसी के जेब में रख देती है, उसे कहती है ये रख लो तुम अपना कार्ड, उसे कहती है हमारे बीच तो सब कुछ खत्म हो चुका है, पर तुम अभी भी मुझे नहीं जाने का नाटक क्यों कर रहे हो, अभी तो हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो तुम मुझे बता सकते हो कहीं तुम्हें भूलने की बीमारी तो नहीं होगी, या फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया होगा जिससे तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई होगी, क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। देन वो उसे कहती है तुम्हें जरूर अमनेशिया ही हुआ होगा, बहुत सारे ड्रामास में ऐसा ही होता है। तो वो उसकी मेमोरीज वापस लाने के लिए उसके करीब जाने लगती है और उसे खींच के एक थप्पड़ मारती है, एंड देन उसे कहती है ड्रामास में ऐसा ही होता है, मेरे बारे में कुछ भी याद आया। देन वो उसके सर पे लगातार मारने ही लग जाती है, पर जई तो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था जिसके बारे में शिया को कुछ भी पता नहीं था। तो अगली सुबह शिया को जब होश आता है तो वो अपने आप को पुलिस स्टेशन में पाती है, जहां ऑफिसर उसे बताते हैं कि जई ने उस पे केस किया है। शिया ऑफिसर को समझाती है कि वो इनोसेंट है, उसने उससे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, वो मुझे झूठ मूठ का फंसा रहा है। पर जई उसे रिकॉर्डिंग दिखा देता है जिसमें शिया उसे पीट रही थी, तो अब शिया बहाने बनाने लग जाती है कि मैंने तो उसे हल्का सा मारा था, उससे इतनी बड़ी चोट तो नहीं आ सकती कि उसे बैंडेज लगाना पड़ जाए सर पे। तो जई उसे उसके जोरदार धुलाई वाली वीडियो भी दिखा देता है जिसमें शिया उसके सर पे अटैक किए जा रही थी, तो अब शिया एडमिट कर लेती कि उसी ने उसे पीटा था। तो अब जई अपने लॉयर को बुलाने की बात करता है ताकि वो शिया को सू कर सके असॉल्ट के केस में। तो इस बात को लेकर दोनों लड़ने ही लग जाते हैं, तो ऑफिसर दोनों को चुप करा कर बैठा देते हैं। तो दोनों को इस तरह से लड़ता हुआ देख के ऑफिसर उन दोनों को एक कपल समझ लेते हैं, दोनों को ही एडवाइस देने लग जाता है कि कपल्स में तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि दोनों एक दूसरे पे केस कर दो। और बाबा ऑफिसर का लेक्चर कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा था इसलिए जई शिया पे केस नहीं करता, पर वो ऑफिसर से कहता है कि इसके बदले में शिया को एक वीडियो में कहना होगा कि वो अब मेरे से झगड़ा बिल्कुल नहीं करेगी, ना ही उसके अगेंस्ट में कुछ बोलेगी। शिया नहीं मानती तो ऑफिसर फिर से उसे लेक्चर देने लग जाता है, इसलिए शिया फाइनली मानी जाती है, अपना वीडियो रिकॉर्ड भी करवा लेती है, एंड वो वीडियो जई अपने पास रख लेता है। बाहर आने के बाद वो शिया से कहता है कि इस बार तो तुम बच गई, पर आगे से नहीं बचोगी, एंड शिया से कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ कोई भी बदतमीजी की आगे से तो तुम्हारी इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा, इससे तुम्हारी होटल की मार्केट वैल्यू कितनी कम जाएगी ये तो तुम समझ ही सकती हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि जई को सर पे कोई चोट नहीं लगी थी, उसने तो बस नकली बैंडेज लगाया था सर पे बस। ये देख के शिया तो बिल्कुल चौंक जाती है और जई उसे कहता है कि मेरे साथ पंगा मत लेना आगे से, वरना इससे भी बुरा हो सकता है। रात को जई को अपने और शिया के एक साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जब वो ऑफिस जाता है तो उसकी लॉयर आयशिन उसे बताती है कि शिया उसे पर्सनली मिलना चाहती है। तो शिया जई से मिलने के लिए आती है और उसे थैंक यू कहती है, उसे कहती है कि वो आज उसकी कोई भी बातों का बुरा नहीं मानेगी। जई को तो कुछ भी समझ नहीं आता, तभी उसे एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि जई के कहे मुताबिक ही शिया की कंपनी को जई को जो कंपेंसेशन देना था उसे कैंसिल करवा दिया गया है, एंड कैंसिलेशन एग्रीमेंट भी उसे भेज दिया गया है। पर जई को तो कुछ समझ नहीं आता, वो अपने फोन में कुछ मैसेजेस चेक करता है जिसमें जई ने खुद शिया को लिखा था कि वो उसका कंपेंसेशन माफ कर रहा है। तो उसे कल रात के कुछ फ्लैशेज आते हैं जहां वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था और उसी ने शिया को ये मैसेज भी किया था, ये भी उसे याद आने लगता है। तो जई भाग के अपने घर जाता है
एंड वहाँ अपने रूम की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि कल रात जब वो जगह था तब वो जेई नहीं बल्कि लिन बन गया था। जिससे हमें पता चलता है कि जेई को डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है एंड लिन उसी की दूसरी पर्सनालिटी है। पर जेई को ये समझ नहीं आ रहा था कि लिन इतने दिनों बाद कैसे वापस आ गया, क्योंकि उसके अंदर से लिन तो चला गया था। इसके बाद हमें एक साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिस दिन लिन शिया को छोड़ के गया था उस दिन वो लिन नहीं बल्कि जेई बन गया था। एंड यहाँ हमें जेई के बारे में एक और बात पता चलती है कि लिन के सोने के बाद जेई आता है और जेई के सोने के बाद लिन, तो दोनों के बीच एक डील थी कि दोनों एक एक दिन करके जिएंगे। पर लिन जब शिया से मिला था तो वो शिया से दूर नहीं होना चाहता था, इसलिए वो 5 दिन सोया ही नहीं था। पर एक दिन वो सो गया, जिसकी वजह से वो जेई बन गया। एंड इसकी वजह से जेई को उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो लिन को मार डालेगा। और अपने अंदर से लिन को मारने के लिए उसने अपने एक स्पेशलिस्ट फ्रेंड को कॉल किया, और अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो 3 महीने गायब रहा। तो वो अपने उसी फ्रेंड को कॉल करके बताता है कि लिन वापस आ गया, और हो सकता है वो उसी लड़की शिया की वजह से वापस आया हो, इसलिए उन्हें एक नया प्लान बनाना होगा लिन को खत्म करने के लिए। तो अब शिया जेई की कुछ ज्यादा ही खातिरदारी करने लगी थी, पर जेई उसे कहता है कि मैंने तो तुमसे बस प्रैंक किया था कि मैं तुम्हारा कंपनसेशन माफ कर रहा हूँ, और इसी के सामने वो कंपनसेशन कैंसिलेशन एग्रीमेंट को फाड़ देता है। तो शिया फिर से उससे गुस्सा हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। तो अब शिया जेई से अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपनी कुछ शेयर्स बेचने का डिसाइड करती है। वो मिस्टर चेन नाम के किसी आदमी को कॉल करती है। वो जब इस बारे में कॉल पे बात कर रही होती तभी उसका अंकल उसकी बातें सुन लेता है एंड वो उसे डांटने लग जाती है कि उसे शेयर्स बेचना नहीं होगा। एंड उसे इमोशनली भी समझाने लग जाते हैं अपने मम्मी और अपने डैड की कसम खिलवा के। पर शिया अपने कुछ शेयर्स बेच ही देती है उसी आदमी को जो जेई के साथ मिला हुआ था उसके प्लान में। तो अपने कुछ शेयर्स बेचने के बाद वो बहुत ज्यादा रिलीफ फील कर रही होती है, क्योंकि अब उसे इस होटल को संभालना नहीं पड़ेगा एंड वो एक लंबी छुट्टी के लिए ओवरसीज जाएगी अपने अंकल और कजिन को सारा बिजनेस सौंप के। तो उसके अंकल फिर से उसकी बातें सुन लेते हैं एंड उसे डांटने लग जाते हैं कि तुम्हारे पापा का एक ही सपना था कि तुम इस कंपनी को चलाओ। एंड वो फिर से उसे लेक्चर देके समझाने लग जाते हैं, पर शिया उन्हें कैसे भी करके समझा बुझा कर मना लेती है एंड उन्हें कहती है कि अब से आप ही इस होटल को संभालेंगे। पर शिया असल में लिन को भूल के सब कुछ दोबारा से शुरू करने के लिए फॉरन जा रही थी, क्योंकि वो जब तक जेई के आसपास रहेगी तब तक वो लिन को भूल नहीं पाएगी। तो वो आदमी जेई को शिया के शेयर्स दे देता है और साथ में उसने आज होटल्स के बाकी शेयर होल्डर्स के भी शेयर्स खरीद लिए थे। आशीन उसे बताती है कि शिया ने भी रिजाइन दे दिया और वो आज ही देश छोड़ के जा रही है। इस पे जेई कहता है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है पैसे पाने के बाद अपने फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए, एंड ये उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि अब उसके रास्ते में और कोई भी नहीं आएगा। तो शिया अपनी केबिन से सारा सामान ले जा रही होती है, तभी उसे अपनी और लिन की फोटो मिलती है। तो उसे देख के उसे फिर से उसकी याद आ जाती है, तो वो जेई को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। पर जेई कहता है कि वो अभी बिजी है इसलिए वो नहीं आ सकता, कहके वो कॉल काट देता है। जिससे शेयर सैड हो जाती है, वो फोटो वहीं पे फेंक के वो जाने लग जाती है। इधर हम जेई को देखते हैं जो अपने अंदर लिन से कह रहा होता है कि तुझे क्या लगा कि तुम मेरे प्लान को रोक पाएगा बस एक मैसेज से, पर ये हो नहीं सकता क्योंकि अब आज ये होटल्स मेरा है। तो ये सब कहके वो सो जाता है। कुछ देर बाद उसे फिर से शेयर अपने फ्लैशेस वापस आने लगते हैं, और अगले पल हम जेई की कार का एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं। उसकी कार खाई में गिरने ही वाली थी कि एक आदमी उसकी मदद करता है, वो बाहर आ जाता है। और यहाँ हमें समझ में आता है कि जेई के सो जाने के बाद लिन आ गया था, वो अपने आप के साथ जेई को खत्म करने के लिए कार को खाई में गिराने वाला था। तो वहाँ पुलिस आती है, पुलिस उसे घर छोड़ देती है। तो जेई समझ चुका था कि लिन ये सब शिया के लिए कर रहा है, जिसके लिए जेई डिसाइड करता है कि वो लिन के लिए शिया को हमेशा अपने पास ही रखेगा, ताकि लिन जब भी बाहर आए तो वो अपने आप को मारने का ना सोचे। तो शिया अपना पैकिंग वैकिंग करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है, और जेई उसे कॉल लगा के उसे रुकने के लिए कहता है। पर शिया कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है इसलिए वो जा रही है। तो शिया अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है, वो थोड़ी सैड लग रही होती है। तभी वहाँ पे एरोप्लेन के सामने लिन अपनी कार लेके पहुंच जाता है एंड वो कार की डिक्की खुलता है, जिससे बहुत सारे बलून्स आसमान में उड़ने लग जाते हैं। सभी लोग बलून्स को देखने लग जाते हैं जिन पे लिखा हुआ था शिया प्लीज रुक जाओ। तो शिया भी उन बलून्स को देखती है, तभी एक एयर होस्टेस आके उसे बताती है कि एक जेंटलमैन आपका वेट कर रहे हैं। तो शिया पायलट विंडो से जाके देखती है, जेई अपने बाहें फैलाए सामने खड़ा हुआ था। देन थोड़ी देर बाद जेई प्लेन के अंदर आता है, शिया के पास स्लो मोशन में आने लगता है। वो एक रिंग निकाल के शिया की उंगली में पहना देता है, और प्लेन के सभी लोग उनके लिए ताली बजा रहे होते हैं। तभी शिया को एक एयर होस्टेस जगाती है, क्योंकि शिया ये सब सपने में देख रही होती है। वो शिया को बताती है कि एक जेंटलमैन आपको ढूंढ रहे हैं। तो जेई हाथों में एक फाइल लेके प्लेन के अंदर एंट्री मारता है। शिया तो शर्माने ही लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर उसका सपना सच होने वाला है। पर जेई उसके सामने फाइल करके कहता है कि तुम नहीं जा सकती। देन हमें उन दोनों के कार से वापस आने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेई उसे कहता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम अभी देश छोड़ के जा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें अभी मेरे लिए 30 दिन के लिए काम करना होगा। शिया कहती है पर मैंने तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया। तो जेई कहता है कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हारी तरफ से साइन कर दिया है, क्योंकि मैं तुम्हारे होटल को कंपनसेशन पे करने के लिए थोड़ा टाइम दे रहा हूं। इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए 30 दिन के लिए काम करना होगा। एंड अब से जेई भी आज होटल में ही काम करने के लिए आएगा, इसलिए वो शिया का केबिन यूज करेगा। तो शिया अब काम करने के लिए ऑफिस आ जाती है, जहां उसका कजिन कहता है वो बिना मतलब कि तुम्हें तो यहां नहीं रुकेगा, हो सकता है उसे तुम पे क्रश है इसीलिए शायद तुम्हें उसने जाने से रोक लिया। तो वो इस बारे में रात को सोच रही होती है, पर वो डिसाइड करती है कि वो अब उसके पीछे नहीं जाएगी। तो अगले दिन वो ऑफिस आती है, ना कि अपने केबिन के चेयर पे बैठ जाती है, पर जेई उसे केबिन से भगा देता है। उसे कहता है कि तुम्हारा काम यहाँ नहीं बल्कि बाहर होगा, ये कि वो उसे बाहर भेज देता है बहुत सारा काम देके। तो शिया अपना काम खत्म करके चुपचाप खिसक ही रही होती है कि तभी उसे जेई देख लेता है और उसे फिर से एक नया काम दे देता है, जिसे करने में उसे काफी रात हो जाती है। पर फिर भी वो अपना काम कंटिन्यू रखती है, कभी बैठ के तो कभी लेट के। और जेई भी रात भर उसी पे नजर रखे हुए था, जब वो उसे नहीं देखता तो वो बाहर चेक करने के लिए आता है। तो वो देखता है शिया काम करते हुए जमीन पे ही सो गई थी। तो वो उसे अपना ब्लेजर उड़ा देता है उसके सर के नीचे।
कुछ फाइल्स रख देता है, पर शिया तो उसका हाथ पकड़ के ही सो जाती है। शिया की नींद खुल जाती है तो वो उसे देख के कहती है कि लिन क्या ये तुम हो। ये कह के वो फिर से सो जाती है तो जेई भी वहीं पे सो जाता है एंड शिया के बारे में ही सोचने लग जाता है। तो जेई सुबह उठ के वहाँ से चला जाता है। शिया की जब सुबह आंखें खोलती है तो वो एशियन को अपने सामने देखते हैं। उसे जेई ने ऑफिस जल्दी जाने के लिए कहा था शिया के लिए ब्रेकफास्ट लेकर। ये सुन के शिया को जेई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो उसे ऑफिस में अकेला छोड़ के चला गया था। देन वो आशिन से कहती है कि क्या मैं भी घर जा सकती हूँ और थोड़ा रेस्ट कर सकती हूँ। तो आशिन से कहती है कि जेई ने उसे कहा है उसे उसके ऑफिस से पिकअप करने के लिए। इधर फैन ऑफिस में आशिन को देख के उसे अपने बारे में याद दिलाने के लिए बास्केटबॉल खेलने लग जाता है बॉटल से। तो आशिन उसके पास आगे कहती है तुम अभी भी बास्केटबॉल खेलते हो, जिसका मतलब था कि आशिन को भी फैन याद है। ये सुन के फैन तो बड़ा ही खुश हो रहा होता है, पर तभी उसे झटका लगता है क्योंकि आशिन उसे अपने फियांसे से इंट्रोड्यूस करवाती है। तो भाई बड़ा ही सैड हो जाता है। और शिया बहुत ही तेजी से जेई की तरफ कार चला के जाती है, उसके सामने ब्रेक मारती तो जेई थोड़ा घबरा जाता है। तो जेई उसे ड्राइविंग सीट से हटाता है, उसे कहता है कि वो ड्राइव करेगा। तो जेई उसे अपने घर ले जाता है, पर शिया अंदर जाने से मना करती है। तो जेई उसे कहता है कि तुम्हें अंदर जाना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ तुम्हारे लिए कुछ काम है। जेई को देखते हैं जो शिया को अपने घर ले आता है, जहाँ वो उसे पूल टेबल साफ करने का काम देता है। ये सुन के शिया तो भड़क ही जाती है। वो जेई से कहती है कि मैं एक होटल की ओनर हूँ और इतनी रिच होके मैं तुम्हारे कहने पे ये पूल टेबल साफ करूँ। तो शिया करने से मना कर देती है। तो जेई उसे कहता है कि पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। जिस पे शिया कहती है क्या तुम इसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हो, ये तो सरासर एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पर मुझे ये सब करने का कोई शौक नहीं है, मेरे पास काफी पैसे हैं। ये कह के शिया वहाँ से जाने लगती है। तो जेई उसे कहता है कि अगर तुम्हारे होटल के डुप्लीकेट फर्नीचर्स यूज करने वाली बात बाहर आ गई फिर क्या होगा तुमने सोचा है। अब ये सुन के शिया मान जाती है और वो पूल टेबल साफ करने लग जाती है। इसके बाद जेई जाता है अपने पापा एंड अपने अंकल के साथ मीटिंग करने के लिए, जहाँ उसके डैड उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि जेई कंपनी का अगला प्रेसिडेंट बनने वाला था। पर जेई अभी तक आज होटल का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया था और उसके न्यू बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने के प्लान को भी उनके शेयर होल्डर्स ने अभी तक पसंद नहीं किया था। उसके डैड उसे कहते हैं कि फू फैमिली का कोई भी गलती नहीं करता और जो गलती करता है उसे फैमिली से निकाल दिया जाता है। तो जेई कहता है ठीक है एंड उसके चला जाता है, जिससे उसके डैड फिर से गुस्सा हो जाते हैं। जिसके बाद जेई शिया के पास आता है। तो शिया उसे देख के पूछते हैं क्या तुम्हारा मीटिंग खत्म हो गया और क्या अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। जिसपे जेई कहता है कि तुम्हारा काम अभी भी बाकी है, तुम्हें तब तक साफ करना होगा जब तक मुझे वो पसंद ना आए। शिया को बहुत गुस्सा था तो वो उसे बॉल से मारने जाती है, पर तभी उसके अंकल आ जाते हैं जो उससे आज से होटल की जमीन के बारे में पूछने लग जाते हैं। तो जेई चिल्ला के उन्हें चुप करा देता है। तो जेई के अंकल शिया को वर्कर समझ के उसे एक गिलास पानी लाने के लिए कहते हैं। जेई उन्हें बताने वाला होता है कि शिया मान जाती है। तो शिया पानी लाने के लिए चली जाती है, जहां वो दो एम्प्लॉयज को बात करते हुए सुनती है जेई और उसके अंकल के बारे में। पर उनकी बातें सुन के शिया को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो उस आदमी को जेई का कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट समझ लेती है। तो अब ये पता लगने पर उसका शैतानी दिमाग काम करने लगता है। वो सोचने लग जाती है कि अगर उसने उस क्लाइंट को तंग किया तो वो जेई को जरूर उसे फायर करने के लिए कहेंगे। तो शिया पानी लेके आती है, साथ में कुछ बिस्किट्स लेके आती है। तो आते ही वो उनसे टकराती है, तो कभी उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए उनके बीच में आ जाती है, जबरदस्ती उन्हें बिस्किट खिलाने लग जाती है, तो कभी उनपे पानी गिरा देती है जिससे वो परेशान हो जाते हैं और शिया के हाथ से पानी के जार को गिरा देते हैं जिससे वो टूट जाता है। तो जेई भाग के उसके पास जाता है, उसे पूछने लग जाता है कि उसे लगा तो नहीं क्योंकि पानी थोड़ा गर्म था। तो जेई उसे उठा लेता है, अपने अंकल पे चिल्ला के बाहर चला जाता है। तो जेई उसे पूछता है कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई। शिया उसे बताती है कि बस कुछ गर्म पानी के छींटे पड़े हैं। तो जेई उसे देख के समझ जाता है कि अंदर वो सब उसने जानबूझ के किया। तो शिया उसे हंसते हुए सॉरी कहती है कि उसकी वजह से उसका एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट चला गया। तो जेई भी उसे बता देता है कि वो उसका कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट नहीं था बल्कि वो तो उसका अंकल था। तो जेई शिया को कल के लिए छुट्टी दे देता है, जिससे शिया तो बड़ी खुश हो जाती है। तो अगले दिन शिया फुल रेडी शेडी होकर अपना सामान वामान पैक करके अपना हॉलीडे एंजॉय करने के लिए निकल ही रही थी कि उसके सामने जेई आ जाता है, जो उसे कहता है कि वो भी आज फ्री है इसलिए वो भी उसके साथ जाएगा। शिया नहीं मानती उसके साथ जाने के लिए क्योंकि वो बताती है कि उसे अकेले ही हॉलीडे एंजॉय करना पसंद है। पर जेई उसे कहता है कि अब से तुम्हें किसी और के साथ ट्रैवलिंग करने का भी आदत डाल लेना चाहिए। ये कह के वो उसका सामान अपने कार में डालता है, उसे कार में बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में ही जाते हैं। तो सबसे पहले शिया जाती है शॉपिंग करने, जहाँ उसे एक हैंडबैग पसंद आता है पर वो किसी और ने रिजर्व कर रखा था, इसलिए शिया को वो बैग नहीं मिल पाता, जिससे शिया थोड़ा गुस्सा हो जाती है, वहाँ से जाने लगती है। जेई को उसके साथ आने के लिए मना करती है, पर जेई कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। शिया एक कंडीशन पे उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है, जो कि था वो आज के उसके सारे एक्सपेंसेस उठाएगा, जिसके लिए जेई मान जाता है। तो शिया कहती है कि उसे भूख लगी है, इसलिए वो दोनों चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट खाने के लिए, जहाँ शिया जेई से पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ सभी आए हुए लोगों का बिल पे करने का अनाउंस कर देती है। जिसपे जेई कहता है तुम्हें इसके बाद कहाँ जाना है ये बताओ, जिसपे शिया कहती है क्या तुम अभी भी मेरे पीछे आना चाहते हो। शिया वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी एक आदमी जमीन पे गिर जाता है, उसे देख के उसके पास दौड़ के जाती है। उस आदमी को हार्ट अटैक आया था, इसलिए शिया उन्हें CPR देती है। उस दौरान शिया काफी घबराई हुई थी, उसे तो रोना ही आ गया था। तो कुछ देर बाद वो आदमी नॉर्मल हो जाता है, तो शिया एक चेयर पे जाके बैठ जाती है। तो जेई उसके पास आके उसे पूछता है उसे क्या हुआ, तो शिया उसे बताती है कि उसके डैड की भी डेथ हार्ट अटैक से ही हुई थी जब वो होटल में एक दिन ओवर टाइम काम कर रहे थे, और उस वक्त उनकी किसी ने मदद की होती तो आज वो जिंदा होते। यहाँ शिया जेई को ये भी बताती है कि उसे भी हार्ट पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम है, पर जब वो लिन का कंपोज किया हुआ म्यूजिक सुनती थी
तब उसके पेल्पिटेशन चले जाते थे एंड वो नॉर्मल हो जाती थी। देन वो जय से पूछती क्या उसे सच में कुछ भी याद नहीं उसके बारे में। तभी उससे पेल्पिटेशन आने लगते हैं तो शिया अपना मोबाइल ढूंढने के लिए कहती है, पर उसका मोबाइल तो भाग दौड़ में कहीं गिर गया था जिसमें लिन का म्यूजिक था। तो जय मोबाइल ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे मोबाइल नहीं मिलता। तभी उसकी नजर पड़ती है सामने रखे एक पियानो पे, तो वो शिया को लेकर पियानो के पास जाता है एंड पियानो प्ले करने लग जाता है जो कि लिन का गाना था, जिसे सुनने के बाद शिया नॉर्मल हो जाती है एंड जय को ही देखने लग जाती है। जिसके बाद वो जय से पूछती है कि उसने तो कहा था कि उसे कुछ भी याद नहीं, पर उसे लिन का कंपोज किया हुआ म्यूजिक कैसे याद है। जय कोई भी जवाब नहीं देता तो शिया उसे पूछती है क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। जय तो एक पल के लिए शिया की आंखों में खो ही गया था एंड वो उसे किस करने ही जा रहा था कि एक बच्चा आ जाता है उनको डिस्टर्ब कर देता है। सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है जिसके बाद वो दोनों होटल की तरफ निकलते हैं जहाँ शिया तो बहुत खुश लग रही थी। वो उसे कहती है तुमने तो कहा था कि तुम मुझे नहीं जानते, फिर तुम्हें ये गाना कैसे याद है। इस पे जय कहता है कि उसने सीखा है, पर शिया को अभी भी लग रहा था कि जय नाटक कर रहा है, पर शिया फिर भी बहुत खुश थी। जय उसे होटल ड्रॉप करता है पर जाने से पहले उसे कहता है तुम्हें हॉस्पिटल जाके चेकअप करा लेना चाहिए, पर शिया मना कर देती है क्योंकि ये सब बस लो ब्लड शुगर की वजह से हुआ था। इसके बाद हम जय को देखते हैं जो कि अपने स्पेशलिस्ट फ्रेंड से बात करता है जो उसे बताता है कि वो इस वीकेंड चाइना आने वाला है उसका चेकअप करने के लिए, बस तब तक उसे लिन का ध्यान रखना है। इधर शिया जय के बारे में सोचे जा रही थी, इवन उसे जय की हेलुसिनेशंस भी आ रहे थे जिससे हमें ये पता चलता है कि शिया भी अब थोड़ा थोड़ा जय को पसंद करने लगी थी। तो अगले दिन शिया ऑफिस जाती है जहाँ वो अपनी कजिन को अपने और जय के ऑलमोस्ट होने वाले किस के बारे में बताती है। तो फैन उससे पूछता है कि तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है, जिसपे शिया कहती है कि अब वो जय को अपना फायदा उठाने नहीं देगी एंड अपनी पिछली गलती को रिपीट नहीं करेगी। तभी उसे जय के सेकंड अंकल का कॉल आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, तो शिया उनसे मिलने के लिए जाती है जहाँ अंकल शिया से उसके बाकी के शेयर्स खरीदने की बात करते हैं। इवन वो उसे 3 गुना पैसा देने के लिए भी तैयार थे, पर शिया मना कर देती है क्योंकि उसके सेंटिमेंटल वैल्यूज जुड़े हुए थे होटल के साथ। तो अंकल उसे कहते हैं कि फिर तुमने जय को अपने शेयर्स क्यों बेचे। शिया को कुछ समझ नहीं आता तो अंकल उसे बताते हैं कि जय अपने बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को बनाने के लिए तुम्हारे होटल के जमीन को हासिल करना चाहता है, इसलिए उसने तुमसे धोखे से सारे शेयर्स खरीद लिए एंड इवन उसने बाकी शेयर होल्डर्स के भी शेयर्स खरीद लिए हैं। तब शिया को याद आने लगता है कि उसने एक बार जय के बिजनेस प्लान को देखा था जिसमें आज होटल्स का नामो निशान तक नहीं था। तो शिया वहां से जाने से पहले अंकल को कहती है कि वो किसी को भी आज होटल को टच करने नहीं देगी। तो वो सीधा जय के पास पहुंच जाते हैं, उसे इस सब के बारे में पूछने लग जाती है। तो शिया उस पर बहुत गुस्सा करती है, उसे कहती है वो उसकी प्लान को कभी भी सक्सेस नहीं होने देगी एंड आज होटल्स को तो वो बचा के रहेगी। तो शिया के जाने के बाद एपिसोड के एंड क्रेडिट में हमें दिखाया जाता है जय ने काफी मुश्किल से लिन का कंपोज किया हुआ म्यूजिक प्रैक्टिस किया था एंड बहुत ही जल्दी उसे वो सीख भी गया था। प्रेजेंट में हम आशिन को देखते हैं जो कि शिया का पसंद किया हुआ बैग खरीद के ले आती है, पर जय उसे कहता है कि उस बैग की अब जरूरत नहीं है तो उसे फेंक देना एंड वो उसे आज एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाने के लिए भी कहता है। तो मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ सभी को पता चलता है कि जय के पास होटल के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, तो इसलिए जय सभी को अपना बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का प्लान बताता है जिसके लिए उन्हें होटल को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि होटल ज्यादा प्रॉफिट कमा नहीं पा रहा था। किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था सिर्फ शिया और उसके अंकल को छोड़ के, पर उनके शेयर्स मिलाकर भी जय से ज्यादा नहीं होते इसलिए उनकी बात को नहीं सुना जाता एंड जय के प्लान को फॉलो करने का डिसीजन लिया जाता है। पर शिया उसे रोकने का एक प्लान बनाती है, वो जय को किसी अनजान के नाम से लेटर लिखती है और उसे होटल के अंडरग्राउंड सेलर में आने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ बहुत ही कीमती पेंटिंग्स रखी हुई है। तो जय लेटर हाथों में लेकर सेलर में पहुंच जाता है, सामने से शिया आती है वो भी कम्बल वम्बल ओढ़ के। तो जय उसे पूछता है क्या तुमने ये लेटर लिखा है, जिसपे शिया कहती है अगर मैं तुम्हें ये नहीं लिखती तो तुम क्या यहाँ आते। तो जय उसे पूछता है तुम इतना काम क्यों रही हो, तो शिया कहती है थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चली जाएगा। तो जय उसे पूछता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तो शिया उसे कहती है मुझे होटल के डेवलपमेंट को लेकर तुमसे कुछ डिस्कस करना है, जिसपे जय ये कहकर चला जाता है कि मीटिंग में सब कुछ तय हो चुका है पर वो दरवाजा नहीं खोल पाता क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद था। तो शिया एग्रीमेंट निकालती है उसे कहती है कि अगर तुमने इस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया तभी तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। तो जय अपना रिकॉर्डर ऑन करता है उससे पूछने लग जाता है उस एग्रीमेंट के बारे में, तो शिया उसे एग्रीमेंट के बारे में बताने लग जाती है अगर उसने आज होटल्स का डिमोलिशन रुकवा दिया तभी वो यहाँ से निकल सकता है। तो वो शिया से कहता है अगर मैंने इस एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया तो तुम क्या कर लोगी, जिस पे शिया कहती है फिर तुम यहीं पे हमेशा के लिए रह जाना हम दोनों यहीं पे मर जाएंगे ठंड से। तो जय साइन कर देता है, शिया दरवाजा खोलने के लिए कह देती है फैन से, तो फैन दरवाजा खोलता है, शिया बाहर जाने लग जाती है। तो जय पीछे से कहता है कि पर वो एग्रीमेंट तो वैलिड नहीं होने वाला क्योंकि तुमने मुझे धमकी दी कि उस एग्रीमेंट पे साइन करवाया है जिसका प्रूफ मेरे पास है एंड वो अपना रिकॉर्डर उसे सुनाता है। तो शिया फैन को एग्रीमेंट देके फिर से दरवाजा लॉक कर देती है एंड जय से रिकॉर्डर लेने जाती है पर वो उसे नहीं ले पाती, तो वो उससे कहती है ठीक है फिर देखते हैं कौन कितना देर तक इस ठंडी को झेल सकता है। और बाहर फैन इधर गेम खेलने लग जाता है हेडफोन लगा के, तभी वहाँ पे आशिन भी आ जाती है। इधर जय से एक बॉटल पेंटिंग टूट जाती है तो शिया भाग के उसी तरफ आने लग जाती है, पर वो उस कांच के ऊपर गिरने ही वाली थी कि जय उसे बचा लेता है पर उसके हाथ में चोट आ जाती है। तो शिया फैन को दरवाजा खोलने के लिए कहती है पर फैन को तो आयशिन बाहर ले गई थी जहाँ वो उससे जय के बारे में पूछने लग जाती है, पर फैन बहाना मार देता है कि वो बस यहाँ बैठ के गेम खेल रहा था। तो शिया जय के टाई से ही उसके हाथ का बैंडेज कर देती है, देन वो सोचती है कि जय इतनी आसानी से तो कन्विंस नहीं होगा इसलिए वो तो उसके थोड़ा क्लोज होने का डिसाइड करती है एंड वो उसके साथ अपना ब्लैंकेट शेयर करती है। देन जय शिया से उसके बॉटल पेंटिंग्स के बारे में पूछता है, तो शिया उसे सभी बॉटल पेंटिंग्स के बारे में बताने लग जाती है कि वो पेंटिंग्स यहाँ काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज के हैं जिन्होंने होटल को इतनी आगे तक लाने में मदद की है एंड वो सभी शिया के लिए एक फैमिली है।
तो जई शिया से कहता है कि अगर तुम इस होटल को अपना घर और इन्हें अपनी फैमिली मान दिया तो तुमने अपने शेयर्स क्यों बेचे। तो शिया उसे कहती है कि मुझे लगा कि मेरे से अच्छा कोई शायद इस होटल को अच्छे से चला पाए, ना कि इस होटल को तोड़ना चाहेगा। तो जई सो जाता है। बात करते करते तो जिया उसका भी पोर्ट्रेट एक बॉटल में बना देती है और उसे भी अपनी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए कहती है, जिसे सुन के जई को अपने पापा की बात याद आ जाती है, जब उसके पापा ने उसे कहा था कि अगर फू फैमिली में कोई गलती करता है तो उसे फैमिली से वो निकाल देंगे। तो जई शिया से कहता है कि फैमिली का हिस्सा बनना इतना आसान है, जिसपे शिया कहती है तुम एक बार ट्राई तो करो, तुम अभी भी आज ये होटल के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हो। वो उसे करती है कि वो इस होटल को ना तोड़े। तो जई कहता है वो इस बारे में सोचेगा। शिया तो बहुत खुश हो जाती है। फैन और आशिन भी अंदर जाते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जई आशिन से कह रहा होता है आज ये होटल को ना तोड़ के अपने प्लान को फॉलो करने के लिए। वैसे भी उनके बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में होटल तो रहने ही वाला है, इसलिए आज ये होटल को ही रहने दिया जाए, ये सोच के उसने ऐसा कहा है। ऐसा उसने आशिन से कहा, पर हमें तो पता है जई ने ये सब तो शिया के लिए किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अब शिया को पसंद करने लगा है। इसके बाद हमें पता चलता है कि आशिन किसी के लिए काम कर रही है और उसका काम है जई पे नजर रखना, जई से रिलेटेड सारी बातें उस आदमी को बताना। तो अब हमें आशिन के बारे में थोड़ा पता चलता है कि उसे रात को अच्छे से नींद नहीं आता, क्योंकि उसे बार बार एक ही ख्याल हमेशा आता रहता है, जहां एक आदमी उसे अपने लिए कुछ काम करने के लिए कहता है। इसके लिए आशिन कुछ दवाइयां भी खाती है। तो अगले दिन शिया को उसके अंकल बताते हैं कि उसका होटल बिल्कुल सेफ है, अब इस होटल को कोई डिमोलिश नहीं करने वाला। देन वो लोग होटल के पास ही एक जगह जाते हैं, जहां फैन शिया को बताता है कि कुछ कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स को उनके होटल के पास के हिली एरियाज में कुछ रेयर प्लांट्स मिले हैं, जिन्हें उन्हें कंजर्व करना है, इसलिए अब वो लोग उस हिली एरियाज के पास के सारे एरिया को कंजर्व करने वाले हैं, जिसका मतलब है कि अब उनके होटल को भी नहीं तोड़ा जाएगा। तो शिया फैन से पूछती है कि आखिर ये बात उन सभी को कैसे पता चली। तो फैन उन्हें बताता है कि कोई अनजान आदमी था जिसने इन प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन उन एक्सपर्ट्स को दिया, उसी आदमी की वजह से उनका होटल आज सेफ है। तो जई शिया से पूछता है कि क्या तुमने इन लोगों को यहां बुलाया। शिया कहती है मैंने तो नहीं बुलाया, पर सही है। तो जई उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके बाद जई को पता चलता है कि ये सब तो लिन का किया धरा है। देखते हैं, जई को पता चल जाता है कि उन कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स को लिन नहीं उन रेयर प्लांट्स के बारे में बताया था। जई को ये बात पता चली अपने फोन से कि फोन में एक्सपर्ट्स का लिन के लिए मैसेज आया था, जिसमें उन्होंने उसे थैंक यू कहा था उन रेड प्लांट्स के बारे में बताने के लिए। तो इन सब के बारे में वो अपने अंकल से अपने पापा को ना बताने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास एक बैकअप प्लान है। तो जई अपने काम पे लग जाता है। शिया को अभी भी बिलीव नहीं होता कि जई इतनी आसानी से इस प्रोजेक्ट को छोड़ देगा। तो अगले दिन शिया के होटल में एक बहुत ही फेमस आइडल आया हुआ होता है, जिसके लिए काफी भीड़ होती है उसके होटल के बाहर। तो शिया के अंकल उसे बताते हैं कि आइडल चाहता है कि शिया उसे अटेंड करे, और बताते हैं कि वो बहुत ही बड़ा ट्रबल मेकर है, उसे तो कोई भी होटल का रूम पसंद नहीं आ रहा है, और अगर उसे एक भी रूम पसंद नहीं आया तो इस होटल के बारे में बैड रिव्यू देगा, जिससे हमारा होटल तो बर्बादी हो जाएगा। क्योंकि फैन ने बताता है कि वो एक बार एक रेस्टोरेंट गया था जहाँ का खाना उसे पसंद नहीं आया था, तो जिसके बारे में उसने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, जिसके बाद तो वो होटल का दिवाला ही निकल गया। तो शिया पहुंच जाती है उस आइडल को सर्व करने के लिए। तो वो आइडल शिया को कहता है कि उसे दूसरा रूम चाहिए, क्योंकि उसे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो शिया उसे लगभग होटल के सारे कमरे दिखा देती है, पर आइडल को कोई भी कमरा पसंद नहीं आता। वो हर रूम में कोई ना कोई बहाना करके उसे पसंद नहीं आया कहता है। आखिर में शिया होटल का सबसे बेस्ट रूम प्रेसिडेंशियल स्वीट उसे ऑफर करती है, जिसमें अभी जई रह रहा होता है। तो वो पहुंच जाती है जई के पास उसे दूसरे रूम में शिफ्ट होने का कहने के लिए, जिसके लिए जई आसानी से मान जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि आइडल शिया को इसलिए परेशान कर रहा था क्योंकि उसका बड़ा भाई जिससे शादी कर रहा था वो शिया की मॉम थी, एंड वो नहीं चाहता था कि उसका भाई उससे शादी करे, क्योंकि शिया की मॉम एज में उससे काफी बड़ी थी। तो शिया आइडल को लेकर पहुंच जाती है प्रेसिडेंट स्वीट, जहां पे आइडल फिर से गंदगी का बहाना करता है। वो अपना रुमाल निकाल के रूम के चारों तरफ एक बार घुमा के उससे कहता है कि रूम में अभी भी गंदगी है, तो इसे साफ करना होगा। तो शिया कहती है वो क्लीनर को कह देगी रूम को साफ करने के लिए, पर आइडल कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रूम को तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी भी कोई प्राइवेसी नाम की चीज है जिसका तुम्हारे होटल को ख्याल रखना है। तो शिया अपने होटल के लिए साफ सफाई करने के लिए मान जाती है। तो थोड़ी देर बाद जई वहाँ आता है, क्योंकि वो अपने कुछ फाइल्स यहाँ पे भूल गया था। शिया को साफ सफाई करता देखकर वो उसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है, साफ सफाई का काम क्यों कर रही है। तो आइडल कहता है कि उसने उसे साफ करने के लिए कहा है, पर उसने उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया है, वो तो अपनी मर्जी से ये सब कर रही है। तो जई शिया से कहता है तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, तुम्हें किसी क्लीनर से ये सब करने के लिए कहना चाहिए। तो शिया कहती है उसकी ये ड्यूटी है गेस्ट को अच्छा सर्विस देना। तो आइडल शिया को इंसल्ट करने के लिए उसके सर पे हाथ चलाता है, उसे कहता है कि यहां की क्लीनर बहुत अच्छा काम करती है। ये देख के जई को बहुत गुस्सा आता है, वो शिया को अपनी तरफ खींचता है, उसे कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे शिया कहती है ये सब वो होटल के लिए कर रही है, उसके लिए भी, क्योंकि वो इस होटल का मेजर शेयर होल्डर है, और अब उसे क्यों दिक्कत हो रही है, वो भी तो उसे अपने पीछे भगाया करता था। तो आइडल उसे वहां से निकल जाने के लिए कह देता है। शिया इतनी क्लीनिंग करके बिल्कुल टायर्ड हो गई थी, इसलिए वो अपने केबिन वापस आती है, जहाँ वो अपने भाई से कहती है कि इतना परेशान तो मुझे अपने मम्मी पापा ने भी नहीं किया था जितना कि इस आइडल ने मुझे किया, आखिर उसने उस आइडल का क्या बिगाड़ा है। तो फैन से कहता है कि वो शायद तुम्हें ये सब जानबूझकर करवा रहा है। एंड देन वो शिया को उस आइडल का एक और पोस्ट भी दिखाता है, जिसमें उसने शिया का फोटो पोस्ट किया था, उसमें लिखा था कि इस होटल की क्लीनर बहुत ही अमेजिंग है। ये देख के शिया को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो उसने उसे क्लीनर कहा, ऊपर से उसने उसका फोटो फोटोशॉप भी नहीं कराया था। पर उस पोस्ट के नीचे कमेंट्स बहुत ही अच्छे आ रहे थे इस होटल के बारे में। तो शिया को एक आइडिया आता है होटल के बिजनेस को बढ़ाने का। तो आइडल की वजह से होटल का बुकिंग फुल हो जाता है। तो उसकी मैनेजर उससे कहती है कि आखिर वो इस होटल के लिए फ्री में पब्लिसिटी क्यों कर रहा है। तो आइडल उसे घर जाने के लिए कह देता है। तभी आइडल को उसका भाई का कॉल आता है, उसे कहता है कि वो जल्दी से घर वापस आ जाए।
है उसे सपोर्ट करने के लिए क्योंकि वो ये शादी करके रहेगा। तो आइडल शिया को कॉल करके उसे कहता है कि उसने उसके नाम का बहुत ही अच्छा फायदा उठाया है और काफी पैसे भी कमा लिए होंगे, इसलिए उसे उसे ट्रीट देना पड़ेगा। तो शिया भी मान जाती है। जई शिया से मिलने के लिए आता है तो फैन उसे बताता है कि वो आइडल के साथ डेट पे गई है। तो जई उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए वहाँ से चला जाता है। देन वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलने के लिए जाता है जहाँ वो आयशिन को उस आइडल के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। इधर शिया और आइडल भी उसी रेस्टोरेंट गए हुए थे जहाँ पे जई था, तो वो शिया को एक हैंडबैग गिफ्ट करता है। कोइंसिडेंटली वो हैंडबैग वही था जिसे शिया ने पसंद किया था। ये देख के शिया तो बिल्कुल शॉक थी, बहुत खुश भी हो जाती है, पर वो उसे कहती कि वो ये प्रेजेंट नहीं ले सकती पर इसके बदले वो उसे पे जरूर कर सकती है। तो अब जई भी उन दोनों को देख लेता है और आइडल भी जई को देखता है। तभी वहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स आते हैं जिन्हें देख के आइडल शिया के पास जाता है और उस पर पानी गिरा देता है। पानी साफ करने के बहाने वो उसके क्लोज आ जाता है। जई को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था या फिर जेलसी हो रही थी पता नहीं। तभी वो देखता है कि रिपोर्टर्स उनकी फोटोज खींचने वाले होते हैं। जई उठ के जाने वाला होता है कि तभी उसका इंपॉर्टेंट क्लाइंट का उसे कॉल आ जाता है। तो वो सोच में पड़ जाता है कि वो कॉल पिक करे या फिर शिया के पास जाए। तो वो आयशिन से कहती है कि वो क्लाइंट से मिलने के लिए चली जाए। वो चला जाता है शिया के पास और उसे अपने ब्लेजर से कवर कर देता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है, उसे वहाँ से ले जाता है। पर शिया तो उसी पे गुस्सा करने लग जाती है। तो जई उससे कहता है कि वो उसकी हेल्प कर रहा था। तो शिया कहती है उसे उसकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। देन वो अपना बैग लाने के लिए जा ही रही थी कि जई उसे कहता है कि वो उसके लिए सेम टू सेम नया बैग खरीदेगा। पर शिया कहती है उसे उसका दिया हुआ बैग नहीं चाहिए, क्योंकि वो बैग लाने के लिए जा ही रही थी कि जई उसके पास जाकर उसे कहता है कि तुम्हें उसी का बैग चाहिए, मेरा दिया हुआ नहीं, ऐसा क्यों। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है, दोनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। जई शिया के फोरहेड पे किस कर देता है। उस लिफ्ट में जई के डैड भी थे जिन्हें देख के जई तो शॉक्ड हो जाता है और उन दोनों को ऐसा करते देख के उसके पापा। तो डैड उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। तो शिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर उसके डैड कहते हैं कि उन्हें दोनों से ही बात करना है। तो डैड जई को डांटने लग जाते हैं उस इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग ना करने के लिए, उन्हें बिना बताए ऐसे ही चले आने के लिए। जिसपे जई कहता है कि उसे लास्ट मिनट में कुछ काम याद आ गया था इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ा। तो डैड कहते हैं क्या वो काम ये लड़की थी, तुम इसकी वजह से हमारी कंपनी के इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग नहीं कर पाए और इसीलिए तुमने ब्लाइंड डेट्स पे भी जाने के लिए मना कर दिया। डैड उसे ये भी कहते हैं कि अब तो उन्हें यकीन हो गया कि उन कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स को भी जरूर जई नहीं बुलाया था। डैड तो उसे सू करने का भी धमकी देते हैं, साथ में उसे वार्निंग देते हैं कि अगर 7 दिन के अंदर उसने उस क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया तो परमानेंटली उसे फूक रूप से निकाल दिया जाएगा। शिया को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि उसके फादर ने उसे ऐसा क्यों कहा। पर जई उसे कुछ भी नहीं बताता है, बाहर चला जाता है। बाहर वो आइडल को देखता है तो वो उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। उसे उसके बचपन का एक फोटो दिखाकर जिसमें आइडल बहुत ही मोटा था। देन वो उसे होटल छोड़ के हमेशा के लिए चले जाने के लिए कहता है, वरना उसका वो चबी वाला फोटो वो उसके कंपटीटर्स को दे देगा। तो आइडल उससे पूछता है कि फोटो उसके बदले उसे क्या करना होगा। तो जई उसे बताता है कि उसे सबसे पहले होटल छोड़ के जाना होगा एंड वो उसे शिया के आसपास भी देखना नहीं चाहता। इधर शिया अभी भी जई के डैड की बातों के बारे में सोच रही होती है कि उसके डैड की बातों में कहीं सच्चाई तो नहीं है, कहीं जई तो उसके होटल को बचाने के लिए ये सब नहीं कर रहा है। तभी आयशिन वहाँ पहुँच जाती है शिया का गिफ्ट लेके, जो कि जई ने भेजा था एज ए कंपनसेशन, जिसमें था शिया का पसंद किया हुआ बैग। शिया उससे पूछती है कि जई ने इसे कब खरीदा। आयशिन उसे बताती है कि उसे खुद जाके जई से इसके बारे में पूछना चाहिए। इधर जई अब आज होटल में ही काम करने वाला था क्योंकि उसके फादर ने तो उसे उसके कंपनी जाने से मना कर दिया था। जई आयशिन से उस क्लाइंट से मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है पर क्लाइंट की मैनेजर मिलने से मना कर देती है। पर जई और आयशिन मिलकर उनकी लोकेशन पता कर लेते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ आयशिन पेट दर्द का नाटक करती है क्योंकि उसे जई के अंकल ने उसे जई को रोकने के लिए कहा है उस क्लाइंट से मिलने से। और यहाँ हमें पता चलता है कि आयशिन जई के अंकल के लिए काम करती है। पर तभी वहाँ फैन आ जाता है, वो आयशिन को हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है और जई को अपने काम के लिए जाने के लिए कह देता है। तो वो आयशिन को लेकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ डॉक्टर आयशिन को फैन की वाइफ समझ लेता है, फैन को अपनी वाइफ के लिए पे करने के लिए कहता है हॉस्पिटल का बिल। आयशिन अपने फियांसे को कॉल करके बुला लेती है। तो आयशिन का फियांसे आता है पर उसे ऑफिस से एक इंपॉर्टेंट कॉल आता है जिसके लिए उसे ऑफिस जल्दी ही जाना पड़ेगा, इसलिए वो उसे घर ड्रॉप नहीं कर सकता। तो फैन उसके पास जाकर कहता है कि वो आयशिन को घर छोड़ देगा। तो आयशिन शिया को जई की हेल्प करने के लिए कहती है उस इंपॉर्टेंट क्लाइंट को ढूंढने में। तो शिया उनका पता लगा लेती है, वो जई को कॉल करके जल्दी से आने के लिए कह देती है। तो जई वहाँ पहुंच जाता है पर क्लाइंट की मैनेजर बताती है कि वो उनसे नहीं मिलना चाहते हैं, उनसे कोई भी डील नहीं करना चाहते हैं, वो यहाँ है भी नहीं, इसलिए वो उन्हें जाने के लिए कह देती है। तो वो लोग बाहर आ जाते हैं, बाहर वो लोग एक बच्ची को समंदर के पास देखते हैं। तो उस बच्ची के पास जाकर उसके बारे में पूछने लग जाते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो वो बच्ची बताती है कि वो अपने फ्रेंड को यहाँ ढूंढ रही है। शिया उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लग जाती है पर वो सिर्फ अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रही थी, इसलिए शिया उससे पूछती है क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है, चलो हम तो सब जाके खाना खाते हैं। तो बच्ची कहती है कि वो लोग उसके लिए स्ट्रेंजर्स इसलिए वो उसके साथ नहीं जाएगी। तो शिया अपना और जई का इंट्रोडक्शन उसे देती है, देन उसका नाम भी पूछती है। तो अब उसे कहती है कि अब तो हम दोनों स्ट्रेंजर्स नहीं है। तो बच्ची उन दोनों से उनका आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहती है क्योंकि उसे बिलीव नहीं होता उनके नाम पे। तो जई उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है जिसके बाद वो लोग उसे लेके रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो बच्ची जिसे ढूंढ रही है वो उसकी डॉल है जो कि गुम गई है। इसके बाद वो दोनों खेलने लग जाते हैं, देन उसे लेके पुलिस स्टेशन चले जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि किसी ने एक मिसिंग बच्ची की रिपोर्ट लिखाई थी। तो वो उन्हें कॉन्टेक्ट करके बुलाते हैं, बच्ची की केयरटेकर वहाँ पहुंच जाती है। तो वो लोग उस बच्ची को केयरटेकर को दे देते हैं। केयरटेकर से शिया को पता चलता है कि उस बच्ची की मॉम नहीं है, उसके डैड काम में बिजी रहते हैं इसलिए वही उस बच्ची का ख्याल रखती है। तो शिया उनसे उस बच्ची के डॉल की एक फोटो लेती है एंड जई के साथ मिलकर उस बच्ची के लिए उस डॉल को बनाने लग जाती है। तो अगले दिन दोनों जाते हैं बच्ची को डॉल देने के लिए, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो बच्ची मिस्टर शेंग की डॉटर है जिनके साथ जई को ऑपरेशन करना चाहता था।
तो मिस्टर शेंग भी मान जाते हैं उनके साथ डील के लिए। जई और शिया पूरा दिन बच्ची के साथ बिताने के बाद उसे घर ड्रॉप करने जाते हैं, जहाँ जई को उसका फ्रेंड कॉल करके बताता है कि जई पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लिन हमेशा के लिए चला जाएगा पर उसमें उसे जान का खतरा है। हम देखते हैं लिन को पता चलता है कि उसका इलाज हो सकता है पर वो बहुत ज्यादा रिस्की है जिसमें उसे जान का खतरा रहेगा। इसके बाद वो अपने स्पेशलिस्ट फ्रेंड मो से मिलने जाता है जो उसे बताता है कि जब तक वो लिन को अपसेट नहीं करेगा तब तक वो बाहर नहीं आएगा। मो बताता है कि नोवल थेरेपी से जई ठीक तो हो सकता है पर उसके ठीक होने के चांसेस सिर्फ 50% है, प्लस इसमें उसे जान का खतरा भी है, इसलिए मो उसे इस थेरेपी को अभी ट्राई करने से मना करता है। तो बातों ही बातों में दोनों डेटिंग के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो मो उससे पूछता है कि क्या तू किसी लड़की को डेट कर रहा है, क्या वो वही लड़की है जो तुम्हें एक साल पहले ढूंढ रही थी जब तू कुछ टाइम के लिए लिन था, पर वो लड़की तो लिन से प्यार करती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसका दिल जीत पाओगे। इस पे जई कहता है क्या तुझे लगता है कि मैं लिन से हार जाऊंगा, फिर तू देखता जा और मैं तेरे लिए गुड न्यूज जल्दी ही लेके आऊंगा। तो अगले दिन जई शिया के लिए अगले साल का मार्केटिंग प्लान लाके देता है जिसे शिया को बनाना था, तो वो इसके बारे में पूछती है। तो जई बताता है कि वो अब जल्दी फुगरू वापस जाने वाला है इसलिए वो आखिरी बार उसकी मदद करके जा रहा है। तो शिया उसे थैंक यू कहती है कि वो इसे बाद में पढ़ लेगी, पर जई उसे अभी पूरा पढ़ने के लिए कहता है। तो शिया पढ़ने लग जाती है, थोड़ा सा पढ़ने के बाद वो उसे कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में है तो मैं इसे अपने फ्री टाइम में पढ़ लूंगी, पर जई कहता है तुम्हें लास्ट पेज तक अभी पढ़ना होगा क्योंकि अगर तुम्हें कोई डाउट रहा तो तुम मुझे आसानी से पूछ सकती हो। तो शिया समझ जाती है, वो डायरेक्टली लास्ट पेज भी जाती है जहाँ पे उसे म्यूजिक फेस्टिवल का टिकट मिलता है। तो शिया पूछती है क्या वो उसे डेट के लिए पूछ रहा है, जई उसे कुछ कहने जा रहा होता है कि शिया कहती है कि मुझे तुम पे एक साल पहले क्रश था पर तुमसे दोबारा मिलने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि हमारा रिलेशन एक साल पहले ही खत्म हो गया था, सो कल मैंने तुम्हारी मदद की तुमने आज मेरी, सो वी आर इवन नाउ। तो जई सैडली बाहर चला आता है, शिया की बातों के बारे में सोचने लग जाता है। इसके बाद से उसे हर जगह लिन दिखाई देने लग जाता है जो उसे चिढ़ाता है कि शिया सिर्फ लिन को पसंद करती है ना कि जई को, जिसे सुन के जई को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो मो से मिलने जाता है, उसे अपनी परेशानी बताता है। तो मो उसे बताता है कि उसे लव सिकनेस हो गया है एंड वो लिन को अपना लव राइवल समझ रहा है इसलिए उसे लिन बार बार दिखाई दे रहा है। तो अगले दिन जई ऑफिस में फैन को शिया से बात करते हुए सुनता है कि शिया किसी के साथ वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए गई है। सुन के जई तो सोच में पड़ जाता है कि शिया के वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए क्यों गई है, ऊपर से लिन उसे दिखा देने लग जाता है जो उसे कहता है कि वो बिल्कुल तेरे बारे में नहीं सोचती, इसीलिए तो वो किसी दूसरे लड़के के साथ वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए गई है। सुन के जई को फिर गुस्सा आता है, वो अपनी मीटिंग कैंसिल करके शिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो शिया को ढूंढ भी लेती है जो कि वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी। तो शिया उसे पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है, जई उसे उल्टा पूछता है अभी तो ऑफिस का टाइम है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। शिया उसे बताती है कि उसने आज छुट्टी ली है, तभी जई को पता चलता है कि शिया तो यहाँ अपने मॉम की वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए आई है। ये सुन के वो यहाँ से जाने लग जाता है, तभी शिया कहती है कि उसने ये ड्रेस देखा था एक साल पहले, तब से वो इस ड्रेस को पहनना चाहती थी। ये सुन के जई वापस आता है, उसे कहता है क्या एक साल पहले वाली बातों के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकती। इस पे शिया कहती है कि एक साल पहले की मेमोरीज उसके लिए बहुत खास है। इस पे जई कहता है कि मेमोरीज का तो पता नहीं पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि आई लाइक यू, पर शिया को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता एंड वो मैनेजर से जई को बाहर निकालने के लिए कहती है, पर जई कहता है कि वो आज पूरे दिन के लिए शॉप को बुक करा, तो शिया कहती है कि वो उसके डबल पेमेंट देगी, जई कहता है वो ट्रिपल पे करेगा। तो शिया कहती है तुम्हारा शॉप तुम्हें को मुबारक एंड वो वहाँ से चली जाती है। तो जई भी उसके पीछे पीछे जाता है एंड उसे कहता है कि एक साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी मेमोरीज चली गई थी, पर वो उससे झूठ नहीं कह रहा है, वो उसे सच में प्यार करता है। इस पे शिया कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिलीव होगा। शिया आगे कुछ कहने जा रही होती है कि जई उसे किस कर लेता है, अपने आप से कहता है कि उसने फिर से उससे झूठ कहा ताकि शिया उससे दूर ना हो। देन उसे कहता है कि जो मैं पहले था वो अब मैं नहीं हूं, तो तुम्हें अब से मुझे ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तभी अचानक जई के सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो जिया पानी लाने के लिए जाती है, जब वो वापस आती है तो जई नहीं था। देन वो उसे ढूंढने लग जाती है, तभी उसे पियानो की आवाज आती है। तो शिया देखती है जई पियानो प्ले कर रहा होता है, तो शिया उसके पास जाके उसे पूछती है क्या वो ठीक है या नहीं, जई कहता है वो बिल्कुल ठीक है। तभी पुलिस ऑफिसर उन दोनों को देखते हैं, तो वो शिया को बात करने के लिए बुलाते हैं। तो ऑफिसर शिया को कुछ टाइम पहले जई की कार क्रैश के बारे में बताता है, ऑफिसर के हिसाब से वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद हम जई को देखते हैं जो कि जई नहीं था बल्कि वो लिन बन चुका था। जई उसे बार बार पूछता है कि आखिर उसका प्लान क्या है, वो करना क्या चाहता है, वो शिया के साथ क्या करना चाहता है। तभी शिया वहाँ जाती है, उससे उसके कार क्रैश के बारे में पूछने लग जाती है। तो लिन उससे फिर से झूठ कहता है कि वो तो उसे ढूंढने के लिए जा रहा था, वो काफी तेजी से गाड़ी चला रहा था इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। तो शिया वहाँ से चली जाती है, उसका बाहर वेट करने लग जाती है। तो जई लिन से अपनी बॉडी वापस मांगता है, पर लिन कहता है वो देखना चाहता है कि जई ने एक साल में उसके पर्सनैलिटी के साथ क्या किया। तो जई कहता है शिया अब मुझे पसंद करती है, वो अब मेरी गर्लफ्रेंड है। इस पर लिन कहता है कि अब क्योंकि मैं आ गया हूँ तो अब से वो तेरी नहीं रहेगी क्योंकि वो तो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। देन दोनों के बीच काफी लंबी चौड़ी डिबेट होती है जिसमें लिन जई को अपनी लव स्टोरी सुनाता है एंड फुल एटीट्यूड के साथ जई से कहता है कि अब तेरे और शिया के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, पर एक बात हमेशा याद रखना कि तू सिर्फ मेरा सब्स्टिट्यूट है। अगले दिन लिन शिया को अपने घर ले आता है, जहाँ शिया अपना फिंगरप्रिंट जई के घर में सेट कर देती है ताकि वो कभी भी उसके घर आ जा सके। जिसके बाद फिर से जई और लिन अपना डिबेट शुरू कर देते हैं एंड फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों फेयर कंपटीशन करेंगे शिया का दिल जीतने के लिए। जो सबसे पहले शिया से उसके घर की चाबी ले पाएगा वही जीतेगा एंड जो हारेगा उसे पीछे हटना पड़ेगा। तो लिन सो जाता है, जई की नींद खुलती है एक बुरे सपने से जिसमें उसी बच्चे के एक्सीडेंट को देखता है एंड जई को समझ नहीं आता कि लिन इस बार अचानक से कैसे आ गया। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जई का एक भाई भी था जिसका नाम था जिलिन एंड हो सकता है उसके लिन वाली पर्सनैलिटी उसके भाई की
ही हो। ऐसा उसे मो कहता है क्योंकि उसके भाई की डेथ के बाद जई उसे बहुत मिस करता था, इसलिए हो सकता है कि उसके भाई की पर्सनालिटी जई में आ गई हो। तो मो उसे फिर से पूछता है कि क्या वो सच में लिन के साथ ऑल्टरनेट डेज स्विच करना चाहता है। इसमें जई कहता है कि लिन के साथ उसके कुछ काम बाकी है इसलिए उसे ऐसा करना होगा। तो अगले दिन लिन की बारी थी तो ऑफिस जाता है, जहाँ वो जई का टाइट शेड्यूल देख के तो घबरा ही जाता है। वो उसे कहता है कि क्या मेरी कोई पर्सनल टाइम नहीं है। तो वो आयशिन को कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए कहता है। तभी उसे शिया कॉल करती है जो उसे बताती है कि वो थोड़ी बीमार है इसलिए वो ऑफिस नहीं आ सकती। ये सुन के ही लिन भाग के चला जाता है उसके घर और उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए वो उसे किस करता है। जिस पे शिया कहती है कि ऐसे कौन टेम्परेचर चेक करता है, तो लिन कहता है कि मुझे बस तुम्हें किस करना था इसलिए मैंने टेम्परेचर चेक करने के बहाने तुम्हें किस किया। तो लिन शिया से कहता है कि वो आज पूरा दिन उसका ध्यान रखेगा और उसके घर के सारे काम करेगा। तो शिया उसे उसके कैट को संभालने के लिए कहती है। तो लिन कहता है कि उसकी एक कंडीशन है, उसे आज के लिए यहीं पे रहने देना होगा ताकि वो शिया का अच्छी तरह से ध्यान रख सके। तो लिन कैट का ध्यान रखता है एंड शिया को रेस्ट करने के लिए भेज देता है, जिसके बाद वो खाना बनाता है। शिया को तो बिलीव ही नहीं होता कि जेई ये सब कर रहा है, पर उसे कहां पता कि ये सब तो लिन कर रहा है। तो लिन बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है जिसे शिया को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो लिन शिया से कहता है कि वो कैट को वैक्सीनेशन के लिए ले जाएगा, इसलिए उसे एक घर की चाबी चाहिए ताकि शिया को डिस्टर्ब ना हो। पर शिया कहती है कि वो उसके लिए दरवाजा खोल देगी। तो लिन दोबारा ट्राई करता है, वो उसे कहता है कि तुम मुझे अपने घर की एक एक्स्ट्रा चाबी दे सकती हो ताकि मैं तुम्हारा कभी भी आगे ख्याल रख सकूं। तो शिया उससे पूछती है, तुम्हें आज हो क्या गया है, तुम थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो एंड मुझे ये पसंद नहीं, तो तुम अपने फिर से बॉसी जेई वाले फॉर्म में आ जाओ। तो लिन का प्लान चौपट हो जाता है। रात को शिया सोचने लग जाती है कि आखिर जेई एक साल पहले वाले लिन की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। और लिन कैट को अपने पास में सुला के सो जाता है जमीन पे। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने ऊपर कैट को देख कर डर जाता है, क्योंकि अब वो जेई था जिसे कैट से डर लगता है। तो जेई के चीखने की आवाज सुनकर शिया वहाँ जाती है, उसे कहती है कल तो तुम्हें ये पसंद आई थी, फिर आज तुम्हें क्या हो गया। जेई शॉकिंगली पूछता है क्या मुझे कैट पसंद है। तो शिया उसे बताती है कल पूरे दिन और रात में तुमने कैट और मेरी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा एंड तुम्हें कैट तो बहुत ज्यादा पसंद भी आई थी। तो जेई उसे पूछता है रात में मैंने और क्या किया। तो शिया बताती है तुमने मेरे लिए खाना बनाया जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी था। तो वो फिर से जेई को वही खाना बनाने के लिए कहती है। इस पे जेई कहता है कि वो खाना बिल्कुल बेकार है, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी न्यूट्रिशियस नहीं है, बल्कि तुम्हें तो मेडिसिन खाना चाहिए। तो शिया उसे इरिटेट होकर चली जाती है। तो शिया कोक पीने के लिए किचन जाती है, पर जेई आके उसे मना करता है, उसे अदरक के बारे में पूछता है। तो शिया उसे अदरक के बारे में बता के चली जाती है, उसे किचन के बाहर से देखने लग जाती है। जेई जिसने कभी किचन में काम नहीं किया था, अदरक काटते हुए उसकी उंगली में थोड़ी चोट लग जाती है। तो शिया भाग के जेई के पास आती है और उसे पूछती है क्या तुम्हें ये सब करना आता भी है। तो जेई शिया के क्लोज जाता है, शिया अपने हाथ से मुंह बंद कर लेती है, उसे कहती है मुझे कोल्ड है। तो जेई कहता है जाके मेडिसिन खा लो ना। तो शिया एम्बेरस होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि जेई उसे किस करने वाला है। तो जेई उसके लिए सूप बना के ले आता जो बहुत ही ज्यादा बेकार था। तो शिया उसे कहती है चलो इंसान से ही गलती होती है, पर कल तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। इस उनके जेई तो साइलेंट हो जाता है, बट देन शिया कहती है, पर वो इसी में खुश है कि जेई उसके लिए खाना बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो शिया को रेस्ट करने के लिए कहता है, उसे बताता है कि आज के लिए उसने उसके घर को ही ऑफिस बना दिया है एंड यहीं पे उनकी एक मीटिंग होगी। तो जेई बाहर आता है उनकी मीटिंग डेस्क पे, वो बिल्ली आके बैठ जाती तो जेई उसे दूर से ही देखने लग जाता है एंड वो लोग भी कैट को देखने लग जाते हैं, क्योंकि उनका बॉस भी कैट को देख रहा था। तो थोड़ी देर बाद शिया बाहर आती है, कैट को वो ले जाती है। तो मीटिंग शुरू होता है, उनके मीटिंग का आज का एजेंडा था मिस्टर शेंग के साथ होने वाला डील। तो एक आदमी वहीं पे इंटरव्यू देने के लिए आता है जिसे जेई के अंकल ने भेजा था उनकी बातों को सुनने के लिए। बस जेई उसे खाना बनाने के काम में लगा देता है एंड वो लोग अपना मीटिंग कर लेते हैं। खाना रेडी होने के बाद वो आयशिन को शिया के रूम में खाना पहुंचाने के लिए कहता है। तो शिया आयशिन से पूछती है क्या जेई ने मेरे लिए खाना बनाया। तो आयशिन उसे बताती है कि मिस्टर फू को तो खाना बनाना आता ही नहीं है एंड वो कभी किचन में गए भी नहीं है। तो शिया सोचने लग जाती है क्या मैंने कल खाना हैलुसिनेशन में खाया था। इधर इंटरव्यू वाले आदमी से जेई कहता है कि तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, अब तुम जा सकते हो। तो उनकी मीटिंग खत्म होती है, शिया जेई के पास आती है, उनसे पूछती है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। तो जेई उसे एक बॉक्स देता है जिसे कहता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है मिस्टर शेंग के साथ इंटरव्यू के लिए, जिसे वो अपने पास भी नहीं रख सकता क्योंकि वो सबसे ज्यादा भरोसा शिया पे करता है। देन जेई शिया का फीवर चेक करने के लिए उसके तरफ बढ़ता है, तो शिया पीछे चली जाती है ना, फिर से अपना मुंह बंद कर लेती है। तो जेई कहता है कि मुझे तो बस तुम्हारा टेम्परेचर चेक करना है। तो शिया कहती है मुझे लगा कि तुम कल की तरह अचानक से मुझे किस कर दोगे टेम्परेचर चेक करने के बहाने से। तो जेई पूछता है क्या कल मैंने तुम्हें किस किया था। तो शिया उसे बताती है कि हाँ तुम्हें तो कहा था कि लिप्स से चेक करने से एक्यूरेट टेम्परेचर पता चलता है। तो जेई को लिन पे बहुत गुस्सा आता है, थोड़ा जेलस भी होता है, इसलिए वो शिया से कहता है ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो अब जेई शिया को किस कर लेता है और उसे कहता है कि तुम याद रखना ये किस मैंने तुम्हें किया है और ये बेटर था। तो शिया कहती है कैसी बैकी बात कर रहे हो तुम। तो जेई कहता है क्योंकि अब हम दोनों रिलेशन में हैं, तो क्या तुम्हें अपने घर की एक चाबी मुझे नहीं देना चाहिए ताकि मैं भी तुम्हारे घर आके तुम्हारा ध्यान रख सकूं। पर शिया उसे साफ साफ मना कर देती है। तो जेई पूछता है फिर क्या तुम अपने घर की चाबी कल वाले मुझे देती। तो शिया पूछती है ये तुम कैसी बात कर रहे हो, कल वाले मुझे आज वाले मुझे, मैंने तुम्हें कल भी चाबी देने से मना किया था ना आज भी मना किया। अब ये सुन के जेई तो बड़ा खुश होता है कि इसने लिन को भी चाबी नहीं दिया। जिसके बाद जेई शिया से प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि वो कल उसे बिल्कुल नहीं मिलेगी, ना ही वो उसका कॉल रिसीव करेगी ना ही वो उसे कॉल करेगी, पर जेई परसों जरूर उसे मिलने के लिए आएगा। जिसका रीजन पूछने पे
ही बताता है कि उसे डॉक्टर को दिखाने जाना है और डॉक्टर ने उसे कल का पूरा दिन अकेले ही रहने के लिए कहा है, इसलिए वो कल किसी से भी नहीं मिल सकता। तो जेई उसे एक और बार याद दिलाता है कि उसे कल उसका कोई भी कॉल पिक नहीं करना है और अगर उसने कोई चीज उससे मांगी तो उसे बिल्कुल नहीं देना है। तो सिया फाइनली हाँ कर देती है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो की शुरुआत में हम शिया को देखते हैं जो जेई का कॉल पिक नहीं कर रही थी। तो फैन उसे कॉल पिक नहीं करने का रीजन पूछता है। तो शिया उसे कल जेई ने जो कुछ उससे कहा था वो सब बताती है। तभी वहाँ पे आशिन भी पहुँच जाती है। आशिन को आता देख कर फैन वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ लेन पहुँचता है तो आशिन उन्हें अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती है। लेन उससे पूछता है तुम मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी। तो शिया उसे बताती है कि तुमने तो मुझे कल कहा था कि मैं तुम्हें आज नहीं मिलूंगी और ना ही तुम्हारा कॉल पिक करूंगी क्योंकि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना था और डॉक्टर ने तुम्हें किसी को भी मिलने से मना किया था। ये सुनकर लिन को तो बहुत गुस्सा आता है जेई पे। देन वो उसे कहता है कि आज डॉक्टर का शेड्यूल फुल था इसलिए उन्होंने मुझे कल का अपॉइंटमेंट दिया है। तो वो जेई से बदला लेने के लिए उसे कहता है कि तुम ऐसा करना, तुम कल मुझसे मत मिलना ना ही मेरे कॉल का आंसर देना। तो नेक्स्ट डे जेई ऑफिस आता है। उसके आते ही आशिन उसे आज के पूरे दिन का शेड्यूल बताती है जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के साथ थे, वो भी रात 10 बजे तक। ये सब सुनने पर जेई उससे पूछता है कि पर मुझे तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आशिन उसे बताती है कि आप ही ने तो मुझे कल ये सब इमीडिएटली अरेंज करने के लिए कहा था। तो जेई कहता है उस लिन से बात करनी पड़ेगी। तो रात को दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बार वो लोग सच में फेयर कॉम्पिटिशन करेंगे। तो अगले दिन बारी थी लिन की। शिया के कॉल से उसकी आंखें खुलती है, उसे पता चलता है कि वो तो अभी मॉरिशस में है, जिसका मतलब था कि जेई ने उसे फिर से ट्रिक किया। तो लिन शिया से कहता है कि वो अभी वापस आ रहा है। तो शिया उसे कहती है कि चाइना आने का सिर्फ एक ही फ्लाइट था वहाँ से जो कि लैंड हो चुकी है चाइना पे, इसलिए अब वो लोग कल ही मिल सकते हैं। तो लिन जेई से कहता है कि तू तो सच में बहुत बड़ा चालबाज है। तो अब लिन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो शिया को इम्प्रेस करने के लिए उसका फेवरेट हॉटपॉट खिलाने के लिए उसे ले जाता है। पर जब ये बात जेई को पता चलता है तो वो उस जगह से बेहतर जगह पे ले जाता है जहाँ हॉटपॉट बहुत अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं। तो हॉटपॉट खिला के शिया को इम्प्रेस करने के चक्कर में दोनों उसे हर दिन हॉटपॉट खिलाने लग जाते हैं अलग अलग जगह ले जाकर। तो हर दिन हॉटपॉट खा खा कर शिया तो इरिटेट ही हो जाती है, प्लस शिया का वेट भी बढ़ जाता है। तो अब वेट बढ़ाने में जब उन्होंने योगदान दिया तो वेट घटाने में क्यों कसर छोड़ेंगे। तो दोनों लग जाते हैं काम पे, मतलब काम पे लगवा देते हैं शिया को। तो अब दोनों इस चीज को लेकर कॉम्पीट करते हैं कि कौन कितना ज्यादा शिया का वेट लॉस करा सकता है। पर एक्सरसाइज के चक्कर में वो लोग शिया का बैंड बजा देते हैं, साथ में दोनों शिया के घर की कीज मारने का कार्यक्रम भी चालू रखते हैं। पर अब तो शिया चाबी देने से साफ मना कर देती है। अब या शिया का इतना बैंड बजाने के बाद वो उन्हें क्यों चाबी देगी। तो अब मैडम का वेट नॉर्मल हुआ तो लिन फिर से उसे हॉटपॉट खिलाने ले जाने की बात करता है, जिससे शिया फ्रस्ट्रेट होकर साइकाइट्रिस्ट से एडवाइस लेने के लिए जाती है। तो शिया उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताती है कि कभी कभी तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है जब वो मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करता है, पर अचानक उसे क्या हो जाता है पता नहीं, वो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग हो जाता है, इतना कि मुझे चैन से सांस भी नहीं लेने देता। कभी कभी तो मुझे मन करता है कि मैं उसका गला दबा के उसे मार डालूं। तो वो साइकाइट्रिस्ट से पूछती है कि क्या मैं मेंटली बीमार हूं कि मैं उसे लेके ऐसे दो अलग अलग फीलिंग रखती हूं। तो साइकाइट्रिस्ट उसे कहते हैं कि देखिए हम ऐसे केसेस को डील नहीं करते जहां आप एक साथ दो लड़कों को डेट करते हैं, आपके लिए अच्छा होगा अगर आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे। तो आज लिन का दिन था। ऑफिस में आशिन उसे बताती है कि मिस्टर शेंग अचानक से आज ही मीटिंग करना चाहते हैं उनके डील को लेकर, पर मीटिंग को लेकर लिन को तो कुछ आइडिया ही नहीं था। तो लिन सोच में पड़ जाता है कि अब वो क्या करेगा क्योंकि जेई ने उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, ना ही उसने मिस्टर शेंग को इम्प्रेस करने के लिए कुछ प्रिपेयर किया था। तभी एक एम्प्लॉय भागते हुए वहाँ पहुँचता है, उसे बताता है कि जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग उसने ऑर्डर किया था लास्ट मोमेंट मिस सेलर ने उसे किसी और को बेच दिया। तो जेई सोचता है कि शायद यही पेंटिंग जेई मिस्टर शेंग को देने वाला था। तो उनकी मीटिंग शुरू होती है, लिन तो फुल एटीट्यूड के साथ उनके साथ बात करता है, पर भाई की बैंड तो तब बच जाती है जब मिस्टर शेंग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ डील करके मेरा क्या फायदा होने वाला है। अब ये सुनकर तो लिन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तभी एंट्री मारती है शिया जो वो बॉक्स लेकर आती है जो उसे जेई ने दिया था, जिसे देख के मिस्टर शेंग डील के लिए मान जाते हैं। तो डील की खुशी में वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, जहाँ शिया की तबीयत खराब हो जाती है तो लिन उसे ले जाने की बात करता है, जिसमें आशिन उसे रोकते हुए कहती है कि उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है अभी जिसे उसे अटेंड करना ही पड़ेगा। तो शिया कहती है वो अकेले चली जाएगी, पर जाते हुए शिया लड़खड़ा रही होती है और उसका ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है, जिसे एक एम्प्लॉय आशिन को आकर देता है। आशिन वो लिन को दिखाता ब्रेसलेट को देख के लिन का सर चकराता है, उसके अंदर जेई आ जाता है क्योंकि जेई को याद आता है कि ये ब्रेसलेट तो शिया का है जिसे उसने देखा जब शिया को पैल्पिटेशन हो रहे थे तब उसके हाथ से ये गिर गया था। तो जेई शिया को ढूंढने के लिए पार्टी छोड़ के चला जाता है। तो शिया उसे जमीन पे गिरी हुई मिलती है जिसके सर से खून भी निकल रहा था। तो वो उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलता है, जहाँ ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि शिया को बस कुछ माइनर इंजरीज हुई है और वो सर पे चोट लगने की वजह से बेहोश हुई थी। तो शिया को देखने के लिए फैन और आशिन भी आते हैं, पर जेई उन्हें घर जाने के लिए कह देता है। लिन जेई से माफी मांगता है शिया को अकेले घर भेजने के लिए। तो जेई उसे कहता है कि वो हर चीज के लिए उसे माफ कर सकता है, पर अगर शिया को कुछ हो गया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए वो अपने स्पेशलिस्ट फ्रेंड मो को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। इधर आशिन फैन से पूछती है कि वो उसे इतने दिनों तक अवॉइड क्यों कर रहा था। तो फैन उसे इनडायरेक्टली बताता है अपने फ्रेंड का नाम लेकर कि अगर मेरे फ्रेंड का फियोन से उसे चीट कर रहा हो तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे अपने फ्रेंड को उसके बारे में बता देना चाहिए। पर आशिन उसके बातों से समझ जाती है कि फैन उसी के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो साफ साफ फैन को सब कुछ बताने के लिए कहती है। तो फैन उसे बता देता है कि उसका फियोन से उसे चीट कर रहा है। ये सुनकर आशिन सैड होकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर वो ड्रिंक करने लगती है, तभी उसके फियोन से का कॉल आता है, पर वो उसका कॉल काट देती है। इसके बाद फैन उसे चेयर अप करने के लिए बास्केटबॉल लेके उसके घर आता है एंड वो उसके घर में ही बास्केटबॉल खेलने लग जाता है। पर उसके पड़ोसी आवाज सुनकर उसके घर की रिंग बजाते हैं, इसलिए आशिन उसे खेलने से मना करती है एंड अपने स्लीपिंग पिल्स लेने
देने लगती है तो फैन उसे रोकता है, उसे कहता है कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, इससे आयशिन को जल्दी ही नींद आ जाएगी। तो वो उसे अपने साथ बास्केटबॉल मैच देखने के लिए बैठा देता है और कुछ देर बाद उसे नींद भी आ जाती है। तो आयशिन फैन के कंधे पे सर रखकर सो जाती है। इधर हम जे के फ्रेंड मो को देखते हैं जो उसे मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि उसकी कंडीशन अब उसकी समझ के भी बाहर हो चुकी है, इसलिए उसे एक और बार अपना चेकअप करा लेना चाहिए ट्रीटमेंट से पहले। पर जे अपने ट्रीटमेंट में और देर नहीं करना चाहता था क्योंकि आज जो हुआ उससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो मो से जल्दी ही ट्रीटमेंट का इंतजाम करने के लिए कहता है। जिसके बाद जे ईशिया के रूम में आता है जहाँ वो ईशिया को नहीं देखता। देन वो लिन से बात करने लग जाता है, तभी वहाँ शिया आते हैं, उससे पूछती है तुम किससे बात कर रहे हो। पर जे कोई जवाब नहीं देता, उसे गले लगाकर कहता है कि वो उसे कभी भी हर्ट होने नहीं देगा। पर शिया को जे पे डाउट होने लग गया था कि वो उससे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है। देन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के जे शिया को उसके घर छोड़ने जाता है जहाँ वो उसे किस करने जा रहा था, पर वो सोचता है कि कहीं किस करने से लिन वापस बाहर ना जाए, इसलिए वो उसे नहीं करता एंड उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। पर इससे शिया को और ज्यादा डाउट होता है। शिया को लगता है कि वो जरूर उससे उसकी मेमोरी लॉस से रिलेटेड कुछ बातें छुपा रहा है, जिसके बारे में पता लगाने के लिए वो जे के घर जाने का डिसाइड करती है। अगले सीन में हमें फैन को दिखाया जाता है जो आयशिन के घर के बाहर रुक जाता है क्योंकि उसका फोन से आया हुआ था, जिसके जाने के बाद वो आयशिन से मिलने जाता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था, इसलिए वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। तो वो उसे पूछता है कि वो उस चीटर से क्यों मिल रही है, पर आयशिन कहती है वो उसे बताना इंपॉर्टेंट नहीं समझती। पर फैन को गुस्सा आता है, वो उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो, तुम्हें अभी तक उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। आयशिन उसे बार बार घर से जाने के लिए कहती है पर फैन नहीं जाता, उसे भी चिल्लाने लग जाता है। तो आयशिन भी उसे बस करने के लिए कहती है, तभी उसके रूम से सारे ऑफिस के एम्प्लॉयज निकलते हैं केक लेकर, क्योंकि सीन थोड़ा ऑकवर्ड चल रहा था इसलिए सारे एम्प्लॉयज वहां से चले जाते हैं आयशिन को हैप्पी बर्थडे विश करके। इसके बाद आयशिन फैन से कहती है देखो अब सभी को पता चल गया कि मेरे फियांसे ने मुझे चीट किया। वो उसे बताती है कि उनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया था, आज वो आया था उसे पैचअप करने के लिए, पर आयशिन ने उसे उसके सारे गिफ्ट्स लौटाकर उसे भगा दिया। तो फैन उसे सॉरी कहता है। आयशिन रोते हुए कहती है कि उसे बचपन से ही जज किया गया है, इसलिए वो हमेशा कोशिश करती है कि वो जो करे वो सही करे और उसने अभी तक सब कुछ सही किया था, पर उसके फियांसे ने 3 साल डेट करने के बाद उसे चीट किया, तो वो इस बारे में कैसे दूसरों को बता सकती है। तो फैन उसे गले लगाकर कम्फर्ट करता है, उसे सॉरी कहता है। इधर हम शिया को देखते हैं जो जे के घर पहुंच गई थी। जे जब पूछता है उसके यहाँ आने का रीजन, तो शिया बहाना मार देती है कि उसे रेड वाइन पीने का मन था इसलिए वो उसके घर आ गई। जे उसे वाइन पीने से मना करता है, उसे पानी पीने के लिए कहता है, पर पानी नहीं था इसलिए जे पानी लाने के लिए किचन जाता है और शिया उसके बारे में कुछ पता लगाने के लिए उसके बेडरूम चली जाती है। जे जब पानी लेके वापस आता है तो वो शिया को नहीं देखता, तो वो उसके बेडरूम की तरफ जाता है जहाँ शिया बेड पे बैठी हुई थी। तो शिया उसके पास जाती है, जे तो कुछ ज्यादा ही शर्माने लगता है, तो शिया जानबूझ के उसके कपड़ों पर पानी गिरा देती है, उसे चेंज करके आने के लिए कहती है और वो फिर से उसके रूम की छानबीन करने लग जाती है। जे के लैपटॉप में उसे उसके अगले कुछ दिनों का शेड्यूल मिलता है, जिसमें से एक डॉक्टर मो के साथ उसका एक अपॉइंटमेंट था, तो वो उसके शेड्यूल का फोटो खींचने ही जा रही थी कि तभी वहाँ जई आ जाता है। तो शिया बहाना मार देती है कि वो चार्जर ढूंढने के लिए आई थी क्योंकि उसका फोन डेड हो गया है। पर जई कहता है कि अब बहुत रात हो चुकी है, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ। तो शिया फिर से फोन डेड होने की बात करती है, तो जई कहता है कि मेरे पास पावर बैंक है तुम उसे ले जाना। तो शिया सोचती है कि उसे कुछ ना कुछ करके तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा, इसलिए वो पैर में मो जाने का बहाना करती है। तो जई उसकी केयर करने लग जाता, तभी घर की घंटी बजती है, तो जई दरवाजा खोलने जाता है जहाँ उसकी नई नेबर आई हुई थी एंड वो उसे अपने घर की पाइप ठीक कराने के लिए बुला रही थी। पर जई कहता है कि उसे वो सब के बारे में नहीं पता, पर वो लड़की उसे अपना नंबर देके उसे कॉल करने के लिए कहकर चली जाती है। तो शिया दूर से खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी, उसे एक आइडिया आता है यहाँ रुकने का। देन अगले सीन में हमें आयशिन और फैन को दिखाया जाता है जो बैठकर बास्केटबॉल का मैच देख रहे थे। देखते देखते आयशिन वहीं पे सो जाती है, तो फैन उसे सोफे पे सुला देता है, खुद जमीन पे सोता है। देन आयशिन उसके साथ अपना ब्लैंकेट शेयर करती है एंड अब तो आयशिन भी उसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी। एंड शिया जे पे गुस्सा होने का नाटक करती है, उसे कहती है इतनी रात को तुम्हारे घर कोई लड़की आती है, और इस बात को लेकर वो उसे बहुत कुछ सुनाने लग जाती है। तो जे उसे सॉरी कहता है, उसे कहता है कि वो अब उससे कभी भी नहीं मिलेगा, ना ही कभी उससे बात करेगा। पर शिया कहती है वो तो तुम्हारे बगल में ही रहती है, तो क्या पता वो किसी दिन तुम्हारे घर आ जाए, इसलिए मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा तुम पे और उस लड़की पे नजर रखने के लिए। तो जे कहता है पर मुझे नींद आ रही है, तो मुझे सोना है, इसलिए चलो मैं तुम्हें जल्दी से घर छोड़ के आता हूँ, देन मुझे सोना भी है। जिस पे शिया कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सो जाओ, उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। पर जे कहता है वो चाहे कितना भी टायर्ड हो, वो शिया को अकेले घर जाने नहीं देगा। तो शिया कहती है तुम्हारे टायर्डनेस को दूर करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। देन वो उसके क्लोज जाने लगती है, जे पीछे जाने लगता है। तो जे नर्वस होते हुए कहता है कि अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शिया कहती है हमें क्या करना चाहिए क्योंकि हम दोनों तो अकेले हैं, क्या हमें कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए जो सिर्फ दो लोगों के लिए हो। ये सुनकर जे तो और ज्यादा नर्वस होने लग जाता है, पर शिया तो कार्ड खेलने बैठ जाती है जे के साथ एंड जो जीतेगा वो सामने वाले को ट्रूथ या डेयर करने के लिए कहेगा। पहले पहले शिया सारी गेम्स हार जाती है, जिससे वो सैड हो जाती है। तो जे उसे खुश करने के लिए जानबूझ के हार देता है, तो शिया उसे एक डेयर देती है एंड उसे फिर से रूम से भगाने के लिए उस नेवर वाली लड़की को बुला के उसे ये कहने के लिए कहती है कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तो जे चला जाता है अपना डेयर करने के लिए एंड उस लड़की को बुला के उसे कहता है कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जो बहुत इनोसेंट क्यूट है। एंड शिया जे के लैपटॉप से उसके डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट का फोटो खींच लेती है। तो जई वापस से अपने रूम में आता है, तो शिया उसे कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। पर जई कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देन उसे कहता है कि अगर मैंने फ्यूचर में कोई गलती किया तो क्या तुम मुझे माफ करोगी। तो शिया उसे एक जोकर कार्ड देती है, उसे कहती है जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तब तक मैं तुम्हारी हर गलती को माफ कर दूंगी। तो शिया उससे पूछती है क्या तुमने मुझे चीट किया। जई कहता नहीं। देन वो पूछती है क्या तुमने कभी मुझसे झूठ कहा है। जई फिर नहीं मैं जवाब देता है। देन दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। शिया शाय फील करती है, इसलिए वो उठ के जाने लगती है, पर जई उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। देन वो उसे किस करने जा ही रहा था कि वो रुक जाता है।
जाता है पर शिया उसे किस कर लेती है एंड दे स्पेंड द नाइट टुगेदर। नेक्स्ट मॉर्निंग शिया को जेई का नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि वो एक अर्जेंट बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, पर शिया को तो पता ही था कि आज उसका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, इसलिए वो फैन को अपनी मदद के लिए बुलाती है एंड दोनों चले जाते हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर मो का केबिन ढूंढने लग जाते हैं जो कि उन्हें मिल जाता है। वो मो और जेई की बातें सुनने लग जाते हैं जहाँ डॉक्टर मो जेई से कह रहे होते हैं कि उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा बाहर। तो शिया को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बात कर रहे हैं। दोनों बाहर आते हैं, डॉक्टर मो जेई से कहता है कि उसकी एक रिपोर्ट मिसिंग है जो वो लेकर आ जाएगा, तो वो उसे ऑपरेशन थिएटर जाने के लिए कहता है। जेई के जाने के बाद शिया उन रिपोर्ट्स को देखने के लिए फैन को बीमार होने का नाटक करने के लिए कहती है, तो फैन नीचे जमीन पे लेट जाता है एंड शिया के कहने पर वो अजीब अजीब एक्सप्रेशन देते हुए बीमार होने का नाटक करता है, तो डॉक्टर मो उसके साथ बिजी हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर शिया डॉक्टर मो के केबिन में चली जाती है एंड जेई की रिपोर्ट्स ढूंढने लग जाती है। उन रिपोर्ट्स के मिलने पर शिया को पता चलता है कि जेई को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है जिसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। डॉक्टर मो केबिन में आ जाते हैं तो शिया वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए जेई से टकरा जाती है, तो जेई डॉक्टर मो को कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो डॉक्टर मो वहाँ से चले जाते हैं। देन दोनों बात करने के लिए अंदर जाते हैं जहाँ शिया जेई से कहती है कि एक साल पहले मैं जिससे मिली थी वो लिन था, मुझे उसी से प्यार हुआ था। जेई हाँ में जवाब देता है, उसे बताता है कि 20 साल पहले एक्सीडेंट की वजह से उसे DID हुआ जिसके बाद से उसकी पर्सनैलिटी एक दिन बाद बदलती रहती है। तो शिया पूछती है वो जेई था जिसने मेरा होटल छीनना चाहा, तो जेई कहता है पहले मेरा वही इरादा था पर बाद में मुझे तुमसे सच्चा प्यार हुआ इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो शिया पूछती है एक साल पहले वो लिन था जो मुझसे प्यार करता था, जेई हाँ कहता है। तो शिया अगेन पूछती है उसी ने होटल का प्रॉब्लम भी सॉल्व कराया, तो जेई हाँ में जवाब देता है, उसे कहता है तुमने ये जोकर कार्ड जेई को दिया था यानी कि मुझे। तो शिया उस जोकर कार्ड को फेंक देती है एंड कहती है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जेई को नर्स बुलाने आती तो वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने लग जाता है, शिया उसे जाने से रोकती है। तो जेई उसे कहता है अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें लिन की भी नहीं होने दूंगा, क्या ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला जाता है और शिया बाहर रोते रह जाती है। अब हमें एक महीने बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ शिया जेई से एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई है, तो मो उसे कहता है उसे तेरी कंडीशन के बारे में पता है भी या नहीं। तो जेई कहता है अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जेई अपना डिस्चार्ज प्रोसेस आज ही शुरू करने के लिए कह देता है। हमें मिस्टर हैलेक की डॉटर पेयर को दिखाया जाता है जो अपने डैड से कहती है कि वो जेई से शादी करना चाहती है और उसने तो ऑलरेडी उनके रिलेशनशिप का फेक न्यूज फैला दिया था। उसके डैड कहते हैं कि मैंने उसे बचपन से देखा है, वो एक नंबर का जंगली घोड़ा है। पेयर कहती है मुझे जंगली घोड़ों पे लगाम लगाना आता है। इसके बाद हमें शिया को दिखाया जाता है जो अपने आप को बिजी रखने के लिए ऑफिस के सारे टॉयलेट साफ कर रही होती है। फैन जब देखने आता है कि वो ठीक है या नहीं, शिया कहती है मैं अब और उसके लिए रोने वाली नहीं हूँ। फैन को बिलीव नहीं होता, तो शिया उसे अपना मोबाइल दिखाते हुए कहती है देखो मैंने तो उसे ऑलरेडी ब्लॉक भी कर दिया है। तो शिया फैन को बाहर निकाल देती है। फैन कहता है अगर तुम्हें अभी भी उसे ब्लॉक करने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है। जिसके बाद हमें जेई को दिखाया जाता है जिसे आयशिन बता रही होती है कि न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स न्यूज़ चैनल सारी जगह पर उसके और मिस्टर हैलेक के डॉटर की रिलेशनशिप की न्यूज़ फैली हुई है। जेई कहता है पर मैं तो इस लड़की को जानता ही नहीं, ना ही ये उस इंटरव्यू के टाइम वहाँ पे थी, तो मेरे साथ उसकी फोटो कहाँ से आई। हमें जेई के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेई के डैड ने उसे बुलाया उनके फ्यूचर बिजनेस पार्टनर से मिलाने के लिए, वो और कोई नहीं बल्कि बेयर थी। और उसकी बातों से जेई समझ जाता है कि उनके रिलेशनशिप के फेक रूमर्स बेयर ने ही फैलाए थे। तो जेई उसे कहता है कि बिजनेस पार्टनरशिप में रिलेशनशिप की कोई जरूरत नहीं होती। इधर फैन के डैड को भी जेई के रूमर के बारे में पता चलता है, तो वो फैन से कहते हैं कि इनकी शादी अगर हमारे होटल में होगी तो अगले 6 महीने का प्रॉफिट हमें इसी शादी से मिल जाएगा। पर फैन गुस्से से कहता है कि इसका तो नाम ही मत लीजिए डैड, अगर कभी मिल गया तो इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं, उसने अभी अभी तो शिया से ब्रेकअप किया और इतनी जल्दी वो दूसरे रिलेशन में भी आ गया। फैन के डैड को तो बहुत ही बड़ा झटका लगा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि शिया जेई को डेट कर रही थी। तभी शिया आती है तो अंकल उससे पूछते हैं क्या तुम्हें जेई के बारे में पता चला। शिया नॉर्मली कहती है हाँ मुझे पता है, यही तो उसकी असली पहचान है। देन वो उन्हें मीटिंग के लिए बुलाती है जबकि ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके थे, तो फैन को फिर से उसकी फिक्र होने लगती है। इधर हम जेई को देखते हैं जो मोह को बताता है कि देखो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो मोह उसे बताता है कि उसने तुम्हें सिर्फ ब्लॉक किया है, इसका मतलब है कि वो तुम्हारे बारे में अभी भी सोचती है, ऊपर से तुम्हारे जो रूमर्स फैल रहे हैं उससे तो वो गुस्सा होगी इसलिए उसने तुझे ब्लॉक किया होगा। तो जेई कहता है वो मुझे इग्नोर करे, इसे तो अच्छा यही है कि वो मुझसे गुस्सा रहे और मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। तो अगले दिन वो बेयर को मिलने के लिए बुलाता है। बेयर उसे कहती है कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जिससे दोनों को भी फायदा होगा एंड वो प्लान ये था कि वो लोग पब्लिसिटी स्टंट के लिए उनके मैरिज रूमर्स फैलाएंगे जिससे सारे न्यूज चैनल्स एंड सारे पेपर्स एंड मैगजीन्स की हेडलाइंस वही होगी जिससे उनकी कंपनीज की शेयर वैल्यू बढ़ेगी एंड बाद में वो लोग अनाउंस कर देंगे कि ये तो बस एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। तो जेई इसके लिए मान जाता है क्योंकि जेई चाहता था शिया को ये न्यूज चलने पे उस पे गुस्सा आए। हमें अगले सीन में आशिन को दिखाया जाता है जिससे उसका एक्स फियांसी माफी मांगने के लिए आया हुआ होता है, पर आशिन उसे माफ नहीं करती, तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें कोई और लड़का मिल गया है। तो आशिन कहती है हाँ मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वो आशिन के नए बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है तो आशिन बताते हैं कि उसका नाम है जियान बुफैन। तो वो आशिन का फोन छीन के बुफैन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। जेई बेयर को अपने घर लाता है ताकि पेपरेजी वाले उनके फोटोज खींच सके, पर बेयर उसके घर में कुछ ज्यादा ही हक जमाने लग जाती है, तो जेई उसे घर से निकाल देता है। और इधर फैन पहुंच जाता है आशिन के पास, तो आशिन का एक्स फियांसी उसे कहता है कि ये बच्चा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो फैन कहता है जब तुम्हें पता चली गया हमारे रिलेशनशिप के बारे में तो अब तो निकल यहाँ से। तो वो कहता है इसकी उम्र क्या होगी, क्या ये तुमसे शादी करने के काबिल है। तो हमारा फैन सीधे रिंग निकाल के शादी के लिए आशिन को प्रपोज कर देता है, तो वो कहता है बंद करो ये अपना नाटक, पर आशिन फैन को शादी के लिए हाँ कहती है और रिंग भी पहन लेती है। तो वो फैन से लड़ने के लिए चला आता है, तो आशिन फैन को किस करती है, उसे कहती है अब तो बिलीव हुआ, पर भाई तो फिर से मारा मारी भी उतर जाता है जहाँ फैन उसे मारने ही जा रहा होता है कि आशिन उसे रोक लेती है और उसे एक्स फियांसी को उठा के पटक देती है एंड फैन को लेकर अपने घर चली आती है, जहाँ वो फैन से कहती है अब तो उससे बिलीव हो ही गया होगा तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो फैन कहता है फिर क्या तुमने वो सब उसके सामने नाटक किया था। तो आशिन उसे सॉरी कहती है, तो फैन कहता है तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है।
आशीन कहती है मुझे नहीं पता। तो फैन उसे किस कर लेता है। तो आशीन उसे पीछे हटाती है और थोड़ा दूर चली आती है। बट देन आशीन उसे किस करने लग जाती है। उनका रोमांस चल ही रहा होता है कि तभी आशीन के फोन पे मिस्टर फू सीनियर का कॉल आता है, जो मे बी जे के डैड हो सकते हैं या फिर उसके अंकल। उनके बीच क्या बातें होती है ये हमें दिखाई नहीं जाती। इसके बाद आशीन फैन को घर जाने के लिए कह देती है। फैन जाने से मना करता है तो आशीन अपना रिंग उतारने लग जाती है। फैन उसे रोकता है, उसे कहता है की आखिर बात क्या है। तो आशीन उसे कहती है की हम दोनों ओनली फ्रेंड्स बन सकते हैं। एक अगर वो उसे रिंग देके बाहर निकाल देती है, पर वो बहुत ज्यादा सैड होती है। बेचारा फैन उसे सॉरी कहता रह जाता है कि उसने क्या गलती कर दिया। आशीन जे से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लेती है। इधर हम जे को देखते हैं जो बेयर के साथ वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने आया था। हमें पता चलता है कि नेक्स्ट वीक उनकी एंगेजमेंट होने वाली है। तभी जे शिया का पसंद किया हुआ वेडिंग ड्रेस देखता है, तो वो उसे पैक करने के लिए कहता है। तो बेयर उसे थैंक यू कहती है। तो जे कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। तभी वहाँ शिया भी पहुंच जाती है, जो उन्हें देख के जे को कॉन्ग्रेचुलेट करती है उसके होने वाले एंगेजमेंट के लिए। उसे कहती है कि अगर तुमने अभी तक वेन्यू डिसाइड नहीं किया अपने एंगेजमेंट के लिए, तो तुम आज होटल को कंसिडर कर सकते हो। तो बेयर जे से कहते हैं फिर हमारी वेडिंग रिसेप्शन हम लोग आज होटल में ही रखेंगे। तो शिया वहाँ से चली जाते हैं। जे भी बेयर से अपना हाथ छुड़ा के चला जाता है। तो बेयर शिया को अपने वेडिंग रिसेप्शन का पर्सन इंचार्ज बनाने की कंडीशन रखती है, जिसके लिए शिया मान जाती है। शिया के अंकल को उसकी फिक्र होती है। तो शिया कहती है डोंट वरी अंकल, वो लोग मुझे उकसाना चाहते हैं, पर मैं उन्हें दिखाऊंगी कि आज होटल का बेस्ट सर्विस क्या होता है। जिसके बाद हम बेयर को देखते हैं जो शिया को मिलने के लिए बुलाती है। तो शिया उसे इवेंट का प्लान बताती है। तो बेयर कहती है ड्रिंक्स बिल्कुल अल्कोहल फ्री होना चाहिए और जो मैट होगा जिस पर मैं चलूंगी वो बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मुझे थोड़ा संभल के रहना होगा। ये सब बेयर शिया को गुस्सा दिलाने के लिए कह रही थी। शिया को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, तो वो बेयर पर पानी फेंक के मारती है, पर ये सब तो वो बस सोच रही थी। तो शिया हंसते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है डबल खुशी के मौके पर। अब जब इसमें शिया को गुस्सा नहीं आया तो बेयर उसे कहती है मैं परेशान थी कि कहीं तुम्हें ये सुन के बुरा ना लगे, क्योंकि तुम तो पहले उसके साथ रिलेशनशिप में थी ना। तो शिया अगेन हंसते हुए कहती है ऐसी कोई बात नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा। तो बेयर कहती है ये तो और अच्छा है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। तो शिया उसे पूछती है उसे किस चीज में मदद चाहिए। तो बेयर कहती है क्या तुम हमारे एंगेजमेंट के टाइम हमें रिंग्स लाकर दे सकती हो। शिया कहती है मुझे नहीं लगता कि हम दोनों इतने क्लोज हैं कि ये मुझे करना चाहिए। तो बेयर कहती है रिंग्स मुझे लाकर देने के लिए तुम्हें मेरे साथ क्लोज होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बस इस काम के लिए कोई भरोसेमंद चाहिए था, इसलिए तुमसे अच्छा इस काम के लिए और कोई नहीं हो सकता। शिया को तो ये सुन के इतना गुस्सा आता है कि वो तो उसका सर पटक पटक के टेबल पे मारती है, पर ये सब बस शिया सोच रही थी, जिससे हम साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि शिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर बेयर के जेई को बताती है कि शिया ने इवेंट का प्लान भेज दिया है, जिसमें जेई देखता है कि इसी इवेंट के दौरान उनकी रिंग एक्सचेंज सेरेमनी भी होने वाली है। तो वो बेयर से पूछता है क्या ये प्लान शिया ने बनाया है। तो बेयर कहती है हाँ उसी ने ये सब बनाया है, एंड उसने तो तुम्हें डबल कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है, एक हमारी पार्टनरशिप के लिए दूसरी हमारे एंगेजमेंट के लिए। तो जेई सोचने लग जाता है कि क्या शिया सच में चाहती है कि मैं किसी दूसरी लड़की से शादी कर लूं। तो फाइनली इवेंट का दिन आता है जहाँ जेई एंड बेयर की एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू हो जाती है। बेयर शिया को स्टेज पे इनवाइट करती है, सभी के सामने अनाउंस करती है कि ये मेरी फ्रेंड है एंड आज मेरे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट में शिया हमें एंगेजमेंट रिंग डिलीवर करेगी। तो शिया उन्हें रिंग्स देती है। जब जेई को रिंग देने की बारी आती है, शिया नहीं चाहती थी जेई रिंग उठाए एंड जेई भी यही चाहता था, बट जेई रिंग उठा लेता है एंड बेयर को पहना देता है। तो दोनों की रिंग एक्सचेंज हो जाने के बाद शिया स्टेज से जाने लगती है, पर बेयर उसे रोकती है, कहती है आज मेरी एंगेजमेंट इतनी अच्छी तरह से हो पाई, जिसका सारा क्रेडिट जाता है शिया को, जो कि इस इवेंट की पर्सन इंचार्ज भी है। जेई को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसके डैड उसे संभाल लेते हैं। शिया फिर से जाने लगती है तो बेयर उसे रोकती है एंड उसे धीरे से कहती है क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा जो तुम जा रही हो। एंड देन सभी के सामने अनाउंस करती है कि मिस शिया अभी सिंगल है, तो यहाँ मौजूद सारे सिंगल जेंटलमैन के पास एक चांस है शिया को अपना बनाने का। तभी अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती है एंड जेई शिया का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से भगा के ले जाता है। एंड इधर पार्टी में सभी को पता चल जाता है कि उनकी एंगेजमेंट बस एक पब्लिसिटी स्टंट थी। बाहर शिया जेई को अंदर जाने के लिए कहती है, पर जेई कहता है अब मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये तुम्हें भी पता है कि वो सब बस एक दिखावा था। देन वो शिया से माफी मांगता है, उसे कहता है कि मैंने कोशिश की पर मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। पर शिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, आगे से तुम मुझसे मत मिलना। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। एंड जेई के डैड एंड मिस्टर हले भी जेई से नाराज हो जाते हैं। तो अगले दिन जेई शिया के ऑफिस जाता है, पर शिया ऑफिस में नहीं थी, तो वो उसे कॉल लगाता है, उसे कहता है कि मैंने तुमसे माफी तो मांग ली, फिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। शिया कहती है क्योंकि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, एंड वो कॉल काट देती है। तो जेई केबिन साफ करने वाली लेडी से कहता है कि मैं शिया का केबिन साफ कर दूंगा, आप जाइए। सीन कट होता है। थोड़ी देर बाद शिया ऑफिस आती है, जेई से छुपते छुपाते हुए आकर अपने चेयर पे बैठती है, तो उसे टेबल पे जेई का एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि सॉरी शिया। देन शिया के कार पार्किंग स्पॉट पे भी लिखा हुआ था सॉरी शिया, जिसे देख के शिया तो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है। तो वो अपनी कार छोड़ के चल के घर जाने लगती है, पर वो रास्ते में देखती है उसके पोस्टर्स लगे हुए थे जिसमें जेई उससे माफी मांग रहा था। तो वो सारे पोस्टर्स हटाने लग जाती है एंड पोस्टर्स हटाते हुए वो आइडल यूशी से टकराती है। एंड वो भी शिया के पोस्टर्स हटा रहा था क्योंकि उसके पोस्टर्स सारे शहर के यूशी के पोस्टर्स के ऊपर लगे हुए थे। तो यूशी शिया से कहता है क्या तुम्हारा जेई पागल है जो इतने पोस्टर्स लगाता फिर रहा है। तो शिया पूछती है तुम यहाँ कैसे। तो यूशी कहता है मैं यहाँ तुम्हारी मॉम की शादी के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे होने वाले पापा मेरे भैया हैं, इसलिए हम अब एक फैमिली हैं, तो अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए मदद चाहिए तो मुझे याद करना। तो शिया कुछ सोचती है, उसे कहती है मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद वो जेई को एक रेस्टोरेंट बुलाती है, जहाँ जेई उसे कहता है कि मैं बेयर से शादी करना नहीं चाहता था, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम अभी भी मेरे बारे में सोचती हो या नहीं, तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो शिया कहती है मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया सब कुछ क्लियर आउट करने के लिए। तो उसे कहती है मेरा अब एक बॉयफ्रेंड है जिसे तुम भी जानते हो। तो जेई उसकी बात को सीरियसली ना लेते हुए कहता है अच्छा ये बात है तो फिर उसे बुलाओ यहाँ। तो शिया यूशी को बुलाती है। जेई यूशी से कहता है
क्या तू भूल गया तूने मुझे क्या प्रॉमिस किया था, वरना तुझे पता ही है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। तो युशी कहता है ब्रो ये सब तो बस प्यार का कमाल है। दोनों जई के सामने लवी डवी होने का नाटक करते हैं। जईशिया से कहता है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम इसके जैसे लड़के को पसंद करती हो। तो युशी कहता है इंसानों की पसंद बदलती रहती है, जैसे तू ही देख ले। वैसे तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था कि शिया तेरे को प्यार करती थी, पर अब तो नहीं करती ना। जईशिया से पूछता है तुम्हें इसमें क्या पसंद आ गया। युशी कहता है वो हमारा पर्सनल मैटर है जो हम तुम्हें बताना नहीं चाहते। तो शिया जई को वहां से जाने के लिए क्या देती है, पर जई कहता है मैं तुमसे बात करने के लिए क्या कर सकता हूँ। युशी कहता है अगर तुम्हें शिया से बात करनी है तो तुम हमारी शादी में आ जाना। देन वो जई से उसके सीट से उठने के लिए कहता है क्योंकि वो शिया की खूबसूरती को सामने से बैठ के एंजॉय करना चाहता है। तो जई कहता है ठीक है, एंड वो जाके शिया के बगल में बैठ जाता है। एंड शिया से कहता है अगर तुम्हें किसी एक्टर को ही लाना था तो किसी ढंग के एक्टर को लाती, इसे तो एक्टिंग भी नहीं आती। तो शिया उठ के युशी के बगल में जाके बैठती है और उसका हाथ कस के पकड़ती है। जई से कहती है अब तो बिलीव हुआ। जई पूछता है ये हाथ पकड़ने से क्या हुआ। तो शिया युशी को इशारों के जरिए किस करने के लिए कहती है। तो दोनों नाचाते हुए एक दूसरे की तरफ फोर्सफुली बढ़ते हैं किस करने के इरादे से। दोनों ही अजीब से मुंह बना रहे थे। जई उनका नाटक तो समझ ही गया था, पर वो नहीं चाहता था कोई और शिया को किस करे चाहे वो फेक ही हो। जई उठ के जाने लगता है तो शिया उसे रोकती है और कहती है आई होप हम दोबारा फ्यूचर में कभी नहीं मिले क्योंकि मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहती। जई के बाद युशी कहता लगता हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, और इस जई को देख के कोई भी बता सकता है कि वो तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो शिया कहती ये मैटर नहीं करता, क्या तुम किसी झूठे के साथ रहना पसंद करोगे। सीन कट होता है जिसका हम जई को देखते हैं जो एक बार में बैठा हुआ था एंड शिया को देख रहा था जो कि ड्रिंक कर रही थी। शिया ने बहुत ड्रिंक कर ली थी इसलिए वो गिरने ही वाली थी। जई आके उसे पकड़ लेता है एंड उसे पिगी बैक राइड दे के उसके घर ले जाता है एंड सोफे पे लिटा देता है। जब वो जा रहा था तो शिया उसे हग करके रोकती है और उसे किस करती है, पर शिया उसे अभी भी लीन समझ रही होती है इसलिए जई वहां से सैड होकर चला जाता है एंड अपने घर जाके शिया को याद करके बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग जाता है। अपने आप से कहता है कि मुझे लगा था कि शायद शिया मुझे पसंद करती है, पर वो तो अभी भी लीन को पसंद करती है, तो मैं हार गया, अब तो बाहर आ सकता है। इसका मतलब है कि जई ने ट्रीटमेंट नहीं कराया और उसकी लीन वाली पर्सनलिटी अभी भी उसी के अंदर है। तो एक दिन लीन पहुंच जाता है शिया के घर। शिया को बिलीव नहीं होता, पियानो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लग जाती है क्योंकि लीन को पियानो बजाना बहुत पसंद था। तो लीन सारे जवाब सही देता है तो शिया को बिलीव हो जाता है, वो खुश हो जाती है। तो लीन उसे गले लगा लेता है एंड शिया के लिए हैंगओवर शुभ बनाने के लिए जाता है। तो शिया उसे कहती है कि मुझे लगा कि शायद तुम वापस नहीं आओगे। तो लीन कहता है जई उतना भी बुरा नहीं है। शिया उसे खाना बनाता देखकर उसे जई क्या के बुलाती है। तो लीन कहता है कि मैं लीन हूँ। तो शिया कहती है मैं तो कभी पहचान ही नहीं पाया कि तुम कभी लीन होते हो या कभी जई। तो लीन कहता है हाँ मुझे पता है क्योंकि मैं इससे पहले कई बार तुम्हारे सामने आया पर तुम मुझे पहचान नहीं पाई। पर मैं और जई अलग है, मुझे खाना बनाना पसंद है, जई कभी किचन में पैर नहीं रखता। मुझे कैट्स बहुत पसंद है पर जई कैट से डरता है। लीन जब ये सब बता रहा था तो शिया जई के बारे में सोच के हंस रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो जई को पसंद तो करती थी। लीन उसे कुछ कहने आता तभी शिया को उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि उसे बताती कि वो शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसका वेडिंग रिंग खो गया है। तो शिया उनसे मिलने के लिए जाती है, साथ में लीन भी जाता है जहाँ वो अपनी मॉम से लीन को एज ए फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाती है जो लीन को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो शिया मॉम से कहती है अगर मैंने आपके लिए रिंग ढूंढ लिया तो आप शादी कर लेंगी ना। तो शिया लीन रिंग ढूंढने लग जाते हैं तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि उनकी रिंग असल में एक कैट लेके भाग गई। तो लीन उसे रात का इंतजार करने के लिए कहता है कैट को ढूंढने के लिए। तो रात को उन्हें कैट मिल जाती है, रिंग भी उन्हें मिल जाती है जो शिया अपनी मॉम को देती है, उन्हें शादी के लिए मनाती है। पर उसकी मॉम कहती है कि वो अभी भी शादी नहीं करना चाहती, तो वो यमिंग से माफी मांगती है क्योंकि अब वो उनसे शादी नहीं करना चाहती। इसका रीजन पूछने पर वो शिया से कहती है कि उन्होंने बस अपनी खुशी के बारे में ही सोचा है और शिया के बारे में कभी सोचा ही नहीं और उसे अकेला छोड़ के चली गई। एंड ये उन्होंने कल रियलाइज किया जब शिया ने उन्हें कॉल करके कहा था मत जाओ मुझे छोड़ के। तो शिया उन्हें बताती कि कल रात मैं बहुत ज्यादा ड्रंक थी और वो मैंने आपके लिए नहीं कहा था, इसलिए आप हैप्पी होकर शादी करिए एंड हमेशा खुश रहिए, जिसके बाद हमें मॉम एंड डॉटर एक दूसरे के लिए प्यार देखने को मिलता है। तो अगले दिन उनकी शादी थी जहाँ उन्हें पता चलता है कि म्यूजिशियंस जो आने वाले थे वो किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं आ सकते। मॉम फिर से नाराज हो जाती है। तो लिन शिया से कहता है पता है मेरे और जई के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, मुझे पियानो प्ले करना आता है और उसका तो म्यूजिक के साथ कोई नाता ही नहीं है। ये कि वो पियानो प्ले करने चला जाता है जो सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। लिन को पियानो बजाता देखकर उसे जई की याद आती है जब जई ने उसके लिए प्ले किया था जब शिया को हार्ट पल्पिटेशंस हो रहे थे और जई के बारे में सोचकर वो मुस्कुरा रही थी। तो मॉम आकर उसे कहती है क्या ये सच में सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड है। वही फैन आकर उसे कहता है मुझे तो लगता है कि ये दी का एक्स बॉयफ्रेंड है जिसे वो भूल नहीं पा रही है। तो उनकी शादी हो जाती है एंड वो बुके टॉस करती है जो शिया कैच कर लेती है एंड उसके साथ लिन भी खड़ा था। तो सभी लोग उन्हें शादी करने के लिए कहते हैं। तो शाम को शिया के अंकल फैन और युशी शिया के साथ डांस करने के लिए एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ फायरवर्क शुरू हो जाती है तो सभी लोग उस फायरवर्क की तरफ देखने लग जाते हैं। जब वो तीनों पीछे मुड़ते हैं तो शिया गायब थी एंड शिया को तो लिन टेरेस पे ले गया था जो उससे कहता है कि एक साल पहले मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहता था तब तो मुझे मौका नहीं मिला पर अब ये मौका मुझे मिलना चाहिए। पर शिया कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है और लिन भी कहता है कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। लिन उसे आई लव यू कहता है पर शिया के चेहरे पे खुशी नहीं थी। वो उसे कहती है हमें यही सब कुछ खत्म कर देना चाहिए और उसे कहती है अब मुझे पता चल गया तुम दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हो। लिन पूछता है फिर तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो। शिया बताती है क्योंकि मैंने तुम दोनों के साथ टाइम स्पेंड किया है पर मैं ये बता नहीं सकती कि मैं तुम दोनों में से किसे पसंद करती हूं। कल अगर मैंने ये चेहरा देखा तो मुझे पता नहीं होगा कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। लिन कहता है जब तक तुम्हें पता होगा कि तुम मुझे पसंद करती हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे किस नाम से बुलाओ। तो शिया कहती है कि मैंने हमेशा अपने आप को समझाने की कोशिश की है कि जई एक बहुत बुरा लड़का है, उसने हम दोनों की रिलेशनशिप को खराब किया,
इवन वो तुम्हें भी मारना चाहता था, पर अचानक तुम वापस आ गए, तुम अभी जिंदा हो एंड अब मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि जय उतना भी बुरा नहीं है। पर तुम्हारे पास बहुत चांसेस थे मुझे सब कुछ सच बताने के, पर तुमने इस बात को सीक्रेट रखा। तो लेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे छुपाना नहीं चाहता था। तो शिया कहती है, मैं तुम दोनों पे ब्लेम नहीं कर रही हूं, पर चाहे जय हो या लिन, मुझे तुम दोनों पे ही ट्रस्ट नहीं है। मैं दूसरे लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ चाहती हूँ विदाउट एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। तो इसलिए तुम चाहे फ्यूचर में लिन हो या फिर जेई, हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। ये कह के शिया वहाँ से चली जाती है, जिसका हमें जेई को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा सैड होता है। वो लिन से कहता है, वो अब मुझे भी पसंद नहीं करती है, तुझे भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता। तो लिन उसे कम्फर्ट करता है, अर्जे कहता है, चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। शिया को दिखा जाता है जो लिन के प्रपोजल के बारे में सोच रही थी, जहाँ कुछ देर बाद उसकी मॉम आती है। तो दोनों मिलकर अब ड्रिंक करने लग जाते हैं एंड मॉम उसे जय के बारे में पूछती है। तो शिया उसे जय की पूरी कहानी बताने लग जाती है, इवन उसकी डुअल पर्सनैलिटी के बारे में वो बताती है। तो मॉम उसे जय से दूर रहने की एडवाइस देती है एंड शिया के अकाउंट में कुछ पैसे भी डाल देती है। अगले दिन उसकी मॉम यमिंग एंड योशी सारे अपने अपने घर चले जाते हैं एंड शिया एक बैग लेके जय के डैड से मिलने जाती है, जहाँ जय के डैड उसे जय को छोड़ने के लिए पैसे देने की बात करते हैं। तो शिया उन्हीं के सामने पैसों का बैग खोल के उन्हें कहती है, इन पैसों के बदले आप जय को आज होटल छोड़ने के लिए गई है। मिस्टर फू को समझ में नहीं आता, तो वो शिया को थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए कहते हैं। तो शिया कहती है कि वो इन पैसों से आज होटल्स के शेयर्स वापस खरीदना चाहती है, जो कि जय ने उससे धोखे से खरीद लिया था। मिस्टर फू तो बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि शायद शिया उनसे पैसे मांगेगी, पर यहाँ तो शिया उन्हें खुद ही पैसे दे रही है और बोनस में जय को भी छोड़ देगी। तो वो अपनी डील पक्की करने ही वाले थे कि तभी जय आ जाता है। तो मिस्टर फू से बताते हैं कि मैंने शिया को तुम्हें छोड़ने के लिए कहा और वो मान भी गई। तो जय को टेबल पे रखे पैसों को देखकर लगा कि शायद शिया इन पैसों को लेकर उसे छोड़ने के लिए मान गई है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे पैसों का बैग उठा के पूल में फेंक देता है। शिया पैसे उठाने जाती है तो जय उसे रोक कर कहता है, जब तक मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाता तब तक ये पैसे तुम्हारे नहीं हो सकते। शिया उसे बताने की कोशिश करती है कि ये सारे पैसे उसी के हैं, उसी ने लाए हैं यहाँ, पर जय तो कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। तो मिस्टर फू से एक्सप्लेन करके सब कुछ बताते हैं, तब जाके भाई को सब कुछ समझ आता है। वो कहता है, पूल में पैसे मैंने फेंके तो मैं ही उसे उठा के लाऊंगा। ये कह के जय पूल में कूद जाता है एंड पैसे कलेक्ट करने लग जाता है। तो मिस्टर फू से वापस आने के लिए कहते हैं और शिया उसे सारे पैसे पिक करने के लिए कहती है एंड इसीलिए दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तो जय सारे पैसे उठाता है एंड शिया को बैग पकड़ाने जा ही रहा था कि शिया भी पूल में गिर जाती है। देन शिया जय के रूम में हेयर ड्रायर से पैसों को सुखाने लग जाती है। ये देखकर जय शिया के बाल हेयर ड्रायर से सुखाने लग जाता है। तो शिया कहती है, अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम है तो तुम इनसे इम्पोर्टेंट चीज पैसों को सुखाओ। जिस पे जय कहता है कि मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट तुम ही हो एंड ये सुनके शिया को भी अच्छा लगता है। तो सारे नोट्स सुखाने के बाद वो मिस्टर फू को नोट्स देने जाती है, पर मिस्टर फू कहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट किसी और दिन साइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ जय नहीं था एंड वो शिया को खाना खाने के लिए बैठा देते हैं। जिसके बाद शिया बाहर आती है तो जय उससे पूछता है, क्या मेरे पापा ने तुम्हें ज्यादा परेशान किया? तो शिया उसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पापा का ध्यान रखना चाहिए एंड उनका मेडिकल चेकअप कराना चाहिए तुम्हें। तभी एक लेडी आकर बताती है कि मिस्टर फू बेहोश हो गए हैं। तो दोनों भाग के मिस्टर फू के पास पहुंचते हैं। तो जय को डॉक्टर से पता चलता है कि उसके पापा को हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। तो शिया उसे बताती है कि ऐसी हालत में तुम्हें तुम्हारे पापा का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। तो जय कहता है कि अगर मैं यहाँ रहा तो वो और ज्यादा गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो मुझे देखना पसंद नहीं करते। पर शिया उसे यहाँ रुक कर उसके पापा का ख्याल रखने के लिए कहती है, पर उसके पापा अंदर से उसे जाने के लिए कहते हैं। तो जय वहाँ से जाने लगता है, पर शिया उसे रोकती है और उसे कहती है, ऐसा कुछ भी मत करना जिसके लिए तुम्हें बाद में पछतावा हो। तो जय मान जाता है, उसके लिए एक फेवर करने के लिए कहता है। तो जय अपने डैड का एक फोटो एल्बम शिया को लाकर देता है, उसे ये उसके डैड को देने के लिए कहता है, क्योंकि कल उनके कुछ दोस्त उनसे मिलने आने वाले हैं, पर शायद वो उन्हें याद नहीं होंगे, इसलिए जय ने ये फोटो एल्बम बनाया था अपने पापा के दोस्तों के साथ। उनके फोटोज इस एल्बम में उसने संभाल के रखे थे और उनके दोस्तों के बारे में सब कुछ इस एल्बम में लिखा हुआ था, पर एल्बम में फोटोज यहाँ वहाँ लगाए हुए थे, इसलिए शिया कहती है कि फोटोज को एक जगह पे रखना होगा ताकि उसके डैड को अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आए। तो शिया एक डायरी में जय के डैड के सारे दोस्तों के फोटोज चिपकाती है, उनके बारे में सब कुछ डिटेल्स में लिख देती है, जिसकी वजह से अगले दिन मिस्टर फू अपने दोस्तों के साथ अच्छे से घुल मिल पाते हैं और उन्हें पहचान भी लेते हैं डायरी में लिखे सारे डिटेल्स की मदद से। देन मिस्टर फू मिस्टर हेले से मिलने जाते हैं उनके लिए एक बिजनेस डील लेकर, और वो था फू ग्रुप के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में अरे ज्वेलरीज के बिजनेस के लिए एक जगह जो कि उनके लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री होगी, और ये उन्होंने जय के लिए किया था। तो अब जय एंड उसके डैड के बीच भी सब कुछ सही हो जाता है। देन वो शिया से मिलने के लिए जाता है। तो शिया मिस्टर फू के बारे में पूछते हैं, क्योंकि मिस्टर फू भी साइन करने के लिए आने वाले थे। जय कहता है, उन्होंने मुझे इसकी फुल रिस्पांसिबिलिटी दी है। शिया कहती है, तब तो डिस्कस करने जैसा कुछ है ही नहीं, तुम तो मुझे शेयर्स वापस देने वाले नहीं हो। जय कहता है कि अगर ये किसी और को देने की बात होती तो मैं कभी नहीं देता, पर क्योंकि ये शेयर्स तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूं, तो ये शेयर्स क्या है? शिया इसका रीजन पूछती है। तो जय उसे सॉरी कहता है, उनके पास में जो कुछ भी हुआ उनके साथ उसके लिए। तो शिया कहती है, इन शेयर्स के लिए मैं तुम्हें माफ तो कर सकती हूं। तो शिया उसे हैंडशेक करती है। जय पूछता है, तो अब हमारा रिलेशन क्या है? शिया कहती है, शेयर होल्डर्स। तो जय कहता है, पर मुझे और करीबी रिलेशन चाहिए। तो शिया कहती है, देन हम दोस्त बन सकते हैं। सही कहता है, ये भी काफी नहीं है। तो शिया उसके पास अगर कहती है, फिर तुम्हें कैसा रिलेशनशिप चाहिए? तो जय कहता है, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, सोच के बताऊंगा। जय उसे कल डिनर पे इनवाइट करता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जय की लिन वाली पर्सनलिटी उसने अपने भाई जिलीन के याद में बनाई थी, और जिलीन उसके अंकल का बेटा था। और उन्हें लगता है कि जिलीन की जान जय की वजह से ही गई है, और वो इसीलिए जय से नफरत भी करते हैं। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसकी बॉडी में लिन की पर्सनैलिटी थी, और लिन को जय दिखाई भी नहीं देता है। और शिया जय का इंतजार करते हुए रेस्टोरेंट में रह जाती है। तो काफी देर बाद वहाँ लिन आता है, जो शिया को बताता है कि जय कहीं गायब हो गया है
और वो बाहर नहीं आ रहा। तो शिया पूछती क्या उसे कुछ हुआ। तो लिन उसे बताता है कि कल जिलीन की डेथ एनिवर्सरी थी और उसके ग्रेव से आने के बाद से ही जई कहीं गायब हो गया। तो शिया उसे जिलीन के बारे में पूछती है। तो लिन कहता है तुम ये जई से पूछ लेना। पर शिया जिलीन और जई का रिलेशन पता करने के लिए डॉक्टर मो को उठा लेती है। डॉक्टर मो बताने के लिए मना करते हैं तो शिया के भाड़ के टट्टू उसे मारने की धमकी देते हैं। तो मो उसे 20 साल पहले जई और जिलीन के साथ जो हुआ था वो सब कुछ बता देता है एंड उसे ये भी बताता है कि लिन ही जिलीन है। इधर लिन की हालत खराब हुई जा रही थी जई बनने का नाटक करते हुए, क्योंकि लिन को उनके बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था और एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली थी जिसके लिए वो और भी ज्यादा परेशान था। जिसके बाद हमें बेयर को दिखाया जाता है जो जई के अंकल से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाली थी कि अभी तक ज्वेलरी लाइसेंस एग्रीमेंट पे उनका साइन नहीं हुआ है, जिस वजह से अभी भी उनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो बेयर उनसे कहती कि अगर जई ने मुझसे सभी के सामने नींद डाउन होकर माफी नहीं मांगी वरना वो फू ग्रुप पे कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का केस कर देगी, क्योंकि उनके एंगेजमेंट के दौरान जो फर्नीचर के डिजाइन शो किए गए थे उनके राइट्स अभी तक फू ग्रुप को नहीं मिले। तो अगले दिन बेयर पहुंच जाती है ऑफिस में और जई को नींद डाउन करके उससे माफी मांगने के लिए कहती है, नहीं तो उसे 500 मिलियन युआन एज ए कॉम्पेंसेशन उसे देना पड़ेगा। तो जई माफी मांगने के लिए मान जाता है। इस पे बेयर कहती है ऐसे नहीं, तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी के सामने नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। और यही कहकर बेयर वहाँ से चली जाती है। पर लिन उसे रोकता है, कहता है कि वो कंपेंसेट करने के लिए तैयार है और ऐसा करने के लिए उसे शिया ने कहा था। शिया कहती है कि अगर जई यहाँ होता तो वो भी यही करता। तो लिन कहता है पर हमारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम है। तो शिया कहती है जरूर जई ने कुछ तो क्लू छोड़े होंगे। तो वो लोग जई का लैपटॉप खोलने की कोशिश करते हैं पर उन्हें पासवर्ड पता नहीं था। तभी उसे जई के अंकल का कॉल आता है जो उसे या तो माफी मांगने के लिए कहते हैं वरना सारी गलती अपने सर लेके रिजाइन करने के लिए कहते हैं। लिन कहता है कि वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। तो जई के अंकल अब बेयर के साथ मिल गए थे। शिया कहती है अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, अब तो सिर्फ जई उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। सीन कट होता ना में अगले दिन दिखाया जाता है जई ऑफिस आता है एंड वो लिन की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहा था। आयशिन भी आ गई थी और इधर बेयर भी पहुंच जाती है। तो जई बेयर को उसके सारे डिजाइन के कॉपीराइट्स दिखाता है जिन डिजाइन्स के ओनर कोई और था। जई उसे ये भी बताता है कि उसके सारे डिजाइन्स किसी के कॉपी किए हुए हैं और बेयर ने जिन जिन के डिजाइन्स कॉपी किए थे उनमें से जई का एक दोस्त भी था जो अब बेयर पे केस भी करने वाला है, पर वो बेयर पे एक शर्त पे केस नहीं करेगा अगर वो उससे नील डाउन होकर माफी मांगती है। तो जई बेयर से नील डाउन करवा के माफी मांगता है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने फ्रेंड को भेज देता है क्योंकि बेयर को अपने पे केस नहीं कराना था। तो बेयर गिरते पड़ते हुए ऑफिस से निकल जाती है, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक से रिवील होता है कि शिया ने जई का लैपटॉप ओपन कर लिया था और बेयर के अगेंस्ट में उसने सारे इन्फॉर्मेशन उसने जई के लैपटॉप से ही निकाले थे। इसके बाद उसने लिन को जई की तरह बिहेव करने की ट्रेनिंग दी और इस तरह से उन्होंने इस प्रॉब्लम को टैकल कर लिया। आयशिन भी जई के बिहेवियर में कुछ चेंजेस नोटिस करती है और फैन से उसे ये भी पता चलता है कि जई को कोई मेंटल प्रॉब्लम है क्योंकि पिछले महीने उसने जई को हॉस्पिटल के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिट होते हुए देखा था। इधर रात को जब शिया ऑफिस में थी तब वो एक आदमी को उसके ऑफिस में सीक्रेटली कुछ ढूंढते हुए देखती है। तो वो सिक्योरिटी को कॉल करके बुलाती है। वो आदमी शिया पे हमला करने ही वाला होता है कि जई आके उसे बचा लेता है और उस आदमी को मार के बेहोश कर देता है। और वो जई नहीं लिन था जो शिया के लिए खाना लेकर आया था। जिसके बाद लिन मो से मिलने के लिए जाता है, उसे बताता है कि जई काफी टाइम से नहीं आया है। मो उसे बताता है कि अगर बॉडी की असली पर्सनैलिटी बाहर नहीं आई तो इससे बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। मो उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए कहता है। जब तक लिन हमेशा के लिए नहीं जाएगा तब तक जई वापस नहीं आएगा। तो लिन कहता है उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये कहकर वो मो के क्लिनिक से बाहर आ जाता है एंड उसे आयशिन और जई का अंकल भी देख लेता है जिन्हें आयशिन ने जई के मेंटल प्रॉब्लम के बारे में बता दिया था। के बाद डॉक्टर मोशिया को आकर बताते हैं कि जई की पर्सनैलिटी गहरी नींद में जा चुकी है जो कि उसके बॉडी के लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है और इसलिए उसकी बॉडी में अब 2 पर्सनैलिटीज नहीं रह सकती, जिसका मतलब है कि लिन और जई में सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है। इसलिए डॉक्टर मोशिया से लिन को ट्रीटमेंट के लिए मनाने के लिए कहते हैं और उनकी ये बात लिन भी बाहर से सुन लेता है और अपने आप से कहता है अब मुझे कोई भी यहाँ देखना नहीं चाहता। जिसके बाद हम आयशिन को देखते हैं जिसने डॉक्टर मो के हॉस्पिटल से जई के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स निकाल लिए थे जिसमें उसकी मल्टीपल पर्सनलिटी डिसऑर्डर के बारे में भी लिखा हुआ था एंड वो ये रिपोर्ट जई के अंकल को दे देती है और खुद रिजाइन करने की बात करती है और उन्हें बात करते हुए फैन सुन लेता है। जई के अंकल के जाने के बाद फैन आयशिन से कहता है तो तुम उसके अंकल के स्पाई हो। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जई के अंकल ने आयशिन को उसके ग्रेजुएशन के बाद ही उसे एक जॉब ऑफर की थी और जई पे नजर रखने का काम भी दिया था और इसी की गिल्ट की वजह से उसे रात को नींद नहीं आती। आयशिन बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। तो फैन उससे कहता है कि मैं जिस आयशिन को जानता हूँ वो बहुत स्मार्ट एंड अच्छी है, उसने कभी भी गलत काम नहीं किए और अपने मेहनत से आगे बढ़ती गई एंड एक लड़का उसे 6 साल से पसंद करता है और वो आयशिन ऐसी नहीं थी। पर आयशिन वहाँ से सैड होकर चली जाती है। जिसके बाद हम जई के अंकल को देखते हैं जो मिस्टर फू से मिलने गए थे, जहाँ वो उन्हें जई की मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर मैंने ये रिपोर्ट्स शेयर होल्डर्स को दिखा दिया तो जई को कभी उसकी पोजीशन नहीं मिलेगी जिस पर आप उसे बिठाना चाहते हैं। मिस्टर फू उसे जई के साथ उनके पंगे को खत्म करने के लिए कहते हैं, जिस पर अंकल कहते हैं कि मेरे बेटे की जान आपके बेटे की वजह से गई है तो मैं इसे इतनी आसानी से कैसे भूल सकता हूँ। उनके मिस्टर फू को भी बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उन पे चिल्लाने जा रहे होते हैं कि उन्हें अटैक आ जाता है और अंकल उन्हें उनकी मेडिसिन देने ही वाले थे पर वो रुक जाते हैं और मेडिसिन को पूल में फेंक देते हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। डॉक्टर लिन को बताते हैं कि हो सकता है मिस्टर फू दोबारा कभी होश में ना आए। तो लिन इन सब का जिम्मेदार अपने आप को समझने लग जाता है। तभी लिन की नजर मिस्टर फू के हाथों के मुट्ठी में जाता है और सीने पे कट होता है, जिसके बाद शिया लिन से मिलने आती है। तो लिन उनसे कहता है मैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये बॉडी जई को दे दूंगा क्योंकि मैं तुम दोनों के प्यार के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता और वो प्यार मुझे जई के लिए तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है। एंड यहाँ शिया को पता चलता है कि लिन की हमेशा से ही एक ख्वाहिश थी कि वो स्टेज पे जाके पियानो प्ले करे। तो शिया उसकी ये विश पूरी करने के लिए उसे ऑडिटोरियम ले जाती है
जहाँ वो शिया के लिए पियानो प्ले करता है। वहीं उसी ऑडिटोरियम के बाहर आशिन जेई के अंकल से मिलती है और उन्हें बताती है कि जेई की बॉडी में काफी दिनों से उसकी ऑल्टरनेट पर्सनलिटी ही है। तो मिस्टर फू जेई की ऑल्टरनेट पर्सनलिटी से मिलने की बात करते हैं। तो आशिन उन्हें बताती है कि वो अभी ऑडिटोरियम के अंदर है। एंड देन आशिन उन्हें एक वॉच गिफ्ट करती है और उन्हें बताती है कि वो अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जाने वाली है। देन जेई के अंकल जाते हैं ऑडिटोरियम के अंदर, जहाँ लिन जिस गाने को प्ले कर रहा था उसे सुन के वो समझ जाते हैं कि जेई की दूसरी पर्सनलिटी उनके बेटे जिलीन की है, क्योंकि इस सॉन्ग को जिलीन ने लिखा था और जिलीन ने इन्हें ही सबसे पहली बार वो गाना सुनाया था। देन लिन शिया को उसके घर ड्रॉप करता है और उसे कहता है कल तुम जेई से मिलने वाली हो। देन लिन जब जा रहा था तभी जेई के अंकल उसे आकर जिलीन के आगे बुलाते हैं। तो लिन पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो अंकल कहते हैं कि मुझे पता है जेई बीमार है और तुम उसकी अल्टरनेट पर्सनलिटी हो। तो वो उसे उनके कार में बैठने के लिए कहते हैं, जहाँ अंकल उसे एक ऑफर देते हैं कि जेई की बॉडी उसकी हो सकती है, वो अपनी जिंदगी जी सकता है, जिसके लिए उनके पास एक डॉक्टर है अब्रॉड में जो जेई की पर्सनलिटी को मार देंगे और हमेशा के लिए ये बॉडी उसकी हो जाएगी। लिन के जाने के बाद अंकल कहते हैं कि सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग होने के बाद वो लिन को भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हमें लिन को दिखाया जाता है जिसे मिस्टर फूक की मुट्ठी से एक बटन मिला था, वो बटन था जेई के अंकल का। तो लिन जेई को गुस्से से बुलाता है कि आखिर कब तक तुम बुजदिलों की तरह छुप कर रहोगे, कोई तुम्हारे फैमिली और करियर के पीछे पड़ा है। तभी हमें जेई की पर्सनलिटी को दिखाया जाता है। अगले दिन शिया जेई के घर आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि जेई के बॉडी में अभी भी लिन है। तो शिया लिन के लिए उसके फेवरेट पियानिस्ट की सीडी लाती है। देन गाना सुनते सुनते शिया सो जाती है और लिन तो समझ गया था कि शिया यहाँ आई है सिर्फ ये देखने के लिए कि जेई वापस आया है या नहीं। देन वो उसे फोरहेड पे किस करता है। देन कुछ देर बाद वो भी सो जाता है। तब शिया की नींद खुलती है और वो लिन की सोते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाती है। तभी उसे किचन से कुछ आवाज आती है, तो जल्दी से उस तरफ जाने के चक्कर में उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है। इसके बाद लिन भी जाग जाता है। शिया को लेट हो रहा था इसलिए वो चली जाती है। कार में बैठने पर उसे पता चलता है कि उसके पास तो उसका फोन ही नहीं है। तो वो वापस जेई के घर जाती है फोन लेने के लिए, तो उसे उसका फोन जमीन पे पड़ा हुआ मिलता है, तो वो लेके चली जाती है। इसके बाद घर के अंदर से जेई के अंकल निकलते हैं। लिन से पूछते हैं कि शिया यहाँ क्यों आई थी। लिन बताता है वो अपना फोन भूल गई थी इसलिए वो लेने आई थी। तो शिया जब लिन की रिकॉर्डिंग देख रही होती है तो उस रिकॉर्डिंग में उसे लिन और जेई के अंकल की बातचीत की फुटेज भी मिलती है, जिसमें वो लोग बात कर रहे थे कि जेई के अंकल लिन का ट्रीटमेंट कराएंगे अब्रॉड में, जिसमें जेई की पर्सनालिटी को ही वो लोग मिटा देंगे और इसके बदले में लिन उन्हें जेई के शेयर्स देगा। शिया वो वीडियो देख ही रही होती है कि तभी कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं और उसका किडनैप कराया था जेई के अंकल ने। जहां लिन शिया को छोड़ने की बात करता है पर उसके अंकल कहते हैं उसे यहां से निकलने मत देना, एंड ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अंकल के जाने के बाद लिन कमरे में लगे कैमरे को देखता है एंड शिया के पैर खोल देता है। तो शिया वहां से जाना चाह रही थी, तो लिन कहता है कि ये रूम उसके लिए सबसे ज्यादा सेफ है और वो सब कुछ सही कर देगा। तो शिया लिन के हाथ में काटती है एंड उसे आई हेट यू कहती है। एंड इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिन को दिखाया जाता है जो शिया को एक कमरे में बंद करने के बाद अपने अंकल से मिलने के लिए जाता है और उन्हें शिया का रिकॉर्डेड वीडियो देता है। तो अंकल उसे कल शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट में साइन करने के लिए कहते हैं। इसके बाद लिन वापस घर आता है, शिया के लिए खाना बनाकर ले जाता है, पर शिया उसका खाना फेंक देती है। देन उसे पूछती क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया, मैंने तुम्हारा खाना फेंक दिया। लिन कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पर शिया कहती है वो सिर्फ जेई को पसंद करती है। लिन कहता है जेई कितना एरोगेंट और सेल्फिश है, वो तुम्हारे प्यार को डिजर्व नहीं करता। इस पे शिया कहती है जेई से ज्यादा डिजर्विंग और कोई नहीं है, उसने शिया को पसंद किया हुआ लिमिटेड एडिशन बैग उसे खरीद के दिया, उसे खाना बनाना नहीं आता, इवन उसे किचन तक जाना पसंद नहीं, पर शिया के लिए उसने खाना बनाया। उसे कैट से डर लगता है पर फिर भी उसने शिया की कैट का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। उसे पियानो प्ले करना नहीं आता था पर फिर भी उसने शिया के लिए वो सीखा, इवन उसने अपने करियर को भी शिया की वजह से खतरे में डाल दिया। इसलिए शिया कहती है जेई से प्यार ना करने का उसके पास कोई रीजन ही नहीं बचा, इसलिए वो सिर्फ जेई से प्यार करती है, हमेशा उसी से करती रहेगी। इस उनके लिए इनको सैड होना चाहिए था पर भाई तो बिल्कुल नॉर्मल था। उल्टा वो एक रिकॉर्डर निकालता है और शिया से एक और बार वो सब कहने के लिए कहता है। तो शिया भी कह देती कि वो सिर्फ जेई से प्यार करती है, हमेशा उसी से करती रहेगी। तो लिन बहुत ही सैड होकर बाहर जाता है, पर बाहर वो फिर से रिकॉर्डिंग को सुन के खुश हो रहा था और शिया को बाहर से ये कह के जाता है कि मेरे लिए वेट करना, मैं वापस आऊंगा। अगले दिन लिन शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट अंकल को देता है और जैसा कि अंकल ने उसे प्रॉमिस किया था वो उसे ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड भेजते हैं। इसके बाद अंकल जाते हैं अपने बेटे जिलीन के ग्रेव पे और यहाँ हमें पता चलता है कि अंकल ने लिन का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर को ट्रीटमेंट के दौरान लिन को खत्म करने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि वो जेई को मार के अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहते थे। अगले दिन सभी को जेई के डेथ की न्यूज मिलती है। अंकल तो फुल सिंपैथी गेन करने के लिए नाटक शुरू कर देते हैं। तो कंपनी का प्रेसिडेंट चुनने के लिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है। तो जेई और मिस्टर फूक के बाद अंकल को ही प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए चुना जाने वाला था, पर कुछ लोगों को अभी भी जेई के सडन डेथ से डाउट था। तो अंकल सभी को जेई के फेक मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते हैं, जिसके हिसाब से जेई की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो अंकल को सारे शेयर होल्डर्स की सिंपैथी मिलने ही वाली थी कि तभी वहाँ जेई की एंट्री होती है, जिसे जिंदा देखकर सारे लोग हैरान हो गए थे। अंकल तो टोटली शॉक्ड हो गए थे। तो जेई सभी को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जो कि अंकल और उनके सेक्रेटरी के बीच की बात थी, जिसमें अंकल अपने सेक्रेटरी से जेई के ट्रीटमेंट के दौरान उसकी जान लेने की बात करते हैं। अंकल अपनी सभा में कहते हैं कि ये सब फेक है। जेई बताता है कि ये सब आयशी ने रिकॉर्ड किया जब मैं यहाँ नहीं था। तभी हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि आयशी ने जो वॉच दिया था उस वॉच में एक वॉइस रिकॉर्डर था, जिसमें अंकल की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। तब जाके अंकल को समझ में आता है कि अब तक जो लिन बन के उनसे मिल रहा था वो लिन नहीं बल्कि जेई था। देन जेई अंकल से पूछता है कि जब मेरे डैड को अटैक आया था तब आपने उन्हें बचाया क्यों नहीं। तो अंकल बहाना माने लग जाते हैं कि उन्हें अचानक से अटैक आया, जिस वजह से मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जेई सभी को रिकॉर्डिंग दिखाता है जब उसके डैड को अटैक आया था और अंकल ने उनकी दवाई पूल में फेंक दी थी। तो अब सारे शेयर होल्डर्स उनसे सवाल करने लग जाते हैं। इधर शिया जले हुए खाने को देखकर और लिन के कुछ हरकतों को याद करके समझ जाती है उसके साथ जो था वो लिन नहीं बल्कि जेई था। देन वो रूम से बाहर निकलती है और किचन का पूरा हाल देखकर वो कंफर्म हो जाती है कि वो जेई ही था। तो वो दरवाजा
तोड़ने की कोशिश करती है, पर उससे पहले फैन दरवाजा खोल देता है। तो शिया जई से मिलने के लिए जाती है। इधर पुलिस अंकल पे अटेम्प्टेड मर्डर का चार्जेस लगाकर उन्हें अरेस्ट करने के लिए आती है, पर अंकल वहाँ से भाग जाते हैं अपने सेक्रेटरी की मदद से। उनके पीछे जई एंड पुलिस पड़ जाती है। तो अंकल भागते हुए पार्किंग एरिया पहुंचते हैं, और जब तक पार्किंग एरिया में शिया भी पहुंच चुकी थी, अंकल एक आदमी का कार ले लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इधर पार्किंग में शिया और जई एक दूसरे को देख लेते हैं और दोनों काफी खुश होते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ आ ही रहे थे कि अंकल शिया को हिट करने के इरादे से उसकी तरफ कार लेकर आ रहे थे, और जई उसे बचाने के लिए भागता है। सीन कट होता है और हम जई को खून से लथपथ जमीन पे गिरा हुआ देखते हैं। पर उसके बॉडी में लिन की पर्सनलिटी थी और जई की पर्सनलिटी बाहर थी, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जई जब शिया को बचाने के लिए उसकी तरफ भाग रहा था, तब उसके बॉडी में लिन आ गया था, जिसके बाद जई की पर्सनलिटी को कुछ फ्लैशेस आते हैं। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जलीन और जई खेल रहे थे। जई को किडनैप करने के लिए कुछ लोग आते हैं। जलीन रोकने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे भी उठाकर ले जाते हैं। सभी गुंडों के सो जाने के बाद जलीन जई को लेकर वहां से निकल जाता है, पर गुंडे उड़ जाते हैं और उनका पीछा करने लग जाते हैं। तो जलीन भागते हुए जई को एक ट्रक में बिठा देता है, और उसके ट्रक में चढ़ने से पहले ट्रक चलने लग जाती है, जिस वजह से वो पीछे रह जाता है और गुंडों के ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है, जिससे जलीन की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जई अपने भाई जलीन के डेथ के गिल्ट के साथ 20 सालों से जी रहा था, इसलिए उसने अपने अंदर ही लिन की पर्सनलिटी बना ली, जो हमेशा उसके साथ रहता, उसकी मदद करता और जई को हर खतरे से बचाता था। इसलिए लिन जई से कहता है कि अब मुझसे भी ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखने वाला और भी कोई है, और कोई सिर्फ लिन का मतलब था शिया। इसलिए लिन कहता है मैं बिना किसी चिंता के जा सकता हूँ, और लिन हमेशा के लिए चला जाता है। इधर जई को होश आता है और अंकल को पुलिस पकड़ के ले जाती है। इधर हॉस्पिटल में जई का इलाज होता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और उसकी डैड की भी सर्जरी बहुत ही अच्छी जाती है, वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। तभी वहाँ आशीन अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आती है, पर जई उसे रिजाइन करने से मना करता है। तो आशीन बताती है कि वो अब तक उसके अंकल के लिए काम कर रही थी, क्योंकि उनका आशीन पे काफी सारे एहसान थे, पर अब वो उनके एहसानों से आजाद है, इसलिए वो अपने डॉक्टरेट के पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रही है। पर फैन तो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था साइड में बैठकर, और आशीन भी उसे बिना कुछ कही चली जाती है। तो शिया फैन से कहती है वो कल जा रही है, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? फैन कहता है मैं क्या करूं, क्या मैं उसके साथ चला जाऊं? इस पे शिया और जई दोनों कहते हैं क्यों नहीं जाओ तुम उसके साथ। तो फैन उसके पीछे चला जाता है। तो आशीन अपना सामान वामान पैक करके टैक्सी में बैठने वाली थी, पर उससे पहले वहां पे फैन पहुंच जाता है और आशीन से कहता है हम दोनों टैक्सी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब्रॉड की एक बास्केटबॉल टीम से ऑफर आया है, जो कि कोइंसिडेंटली तुम्हारी ही यूनिवर्सिटी में है। तो वो उसे अपना लेटर दिखाता है, पर उस लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो फैन से कहता है मैं बस तुम्हारी वजह से वहाँ जा रहा हूँ। देन वो उसे टैक्सी में बैठा देता है। तो आशीन से पूछती है क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैंने जई के अंकल की मदद क्यों की? फैन कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर में तुमने जई और शिया की मदद की। देन वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। शिया को जई डिनर के लिए इन्वाइट करता है, जहाँ सभी लोग बस शिया के बारे में बात कर रहे थे। इवन शिया एक वेट्रेस को पियानिस्ट से कहते हुए सुनती है जब उस लड़की को एंगेजमेंट रिंग देकर प्रपोज किया जाएगा तब उसे एक सॉन्ग प्ले करना है। ये सुनकर शिया तो अपना मेकअप शेकअप ठीक करने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जई आज उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। तो कुछ देर बाद जई आता है, वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं। शिया तो बस जई को ही देखे जा रही थी कि कब वो उसे प्रपोज करने वाला है। ये देख के जई हंसते हुए उससे पूछता है कि मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है। तभी उनका ऑर्डर किया हुआ फूड आ जाता है। तो शिया वाइन के ग्लास को अच्छी तरह से देखने लग जाता है कि कहीं उस ग्लास के अंदर रिंग तो नहीं है। देन वो ग्लास का पूरा वाइन घटाघट पी जाती है, पर उसमें कोई रिंग तो नहीं थी। देन जो खाना उन्होंने ऑर्डर किया था वो उसके अंदर ढूंढने लग जाती है, पर उसमें भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। जई तो उसे देख के बस मजे ले रहा था। देन शिया डेजर्ट ऑर्डर करती है, तो शिया केक में भी रिंग ढूंढने लग जाती है। ये देख के जई पूछता है क्या तुम उसमें एंगेजमेंट रिंग ढूंढ रही हो? शिया एम्बैरस होकर कहती है नहीं। तो जई पूछता है क्या तुम्हें मुझसे शादी करने की बहुत जल्दी है? तभी लाइट्स ऑफ होती है और कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है। तो जई एंड शिया भी ताली बजाने लगते हैं, पर तभी सारे लोग शिया की तरफ घूम जाते हैं, उसे जई से शादी करने के लिए कहते हैं। शिया तो फुल सरप्राइज्ड हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी उसे लगा था कि शायद दूसरे कपल के लिए वो सारे ताली बजा रहे थे, पर अब उसे पता चला कि ये सब तो जई का प्लान था शिया को सरप्राइज करने के लिए। देन जई उसे प्रपोज करता है, शिया उसे हाँ कह के किस करती है। देन उनके वेडिंग सेरेमनी का दिन आता है, जई एक स्पेशल सॉन्ग प्ले करने के लिए कहता है, पर गलती से वो लोग शिया के कन्फेशन का रिकॉर्डिंग प्ले कर देते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। शिया जई उसे बंद करने के लिए कहते हैं, पर वो लोग बंद ही नहीं करते। तो शिया का कन्फेशन ही उनका वेडिंग सॉन्ग बन जाता है और उनकी हैप्पीली शादी हो जाती है। इसी के साथ इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग होती है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल पर नया हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।